अमीजान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लौट के ना आऊंगा एक गुमनामी का समुंदर है उसमें ही जाके डूब जाऊंगा जिसको तू धंधा बोलता है ना क्राइम में वो धंधा बंद कर ले वरना सांस लेना भी मुश्किल कर दूंगा गुजरात की हवा में व्यापार है साहेब मेरी सांस तो रोक लोगे लेकिन इस हवा को कैसे रोकोगे तुम्हारी तलाश तो दुनिया के हर पुलिस डिपार्टमेंट को है किस किस से बात करूंगा आज ये सुनकर मेरी माँ कितनी खुश होती अपने हाथों से ही तुम्हें गोली मार देती मिस्टर मलिक आप मेरी माँ को नहीं जानते थे। जो धंधे के लिए सही वो सही जो धंधे के लिए गलत वो गलत इससे ज्यादा कभी सोचा नहीं बाकी मेरी कहानी है सारी दुनिया को जो सुनानी है झटक मजबूदार को कहीं सन्नाटे में ट्रांसफर कर दो साहिब जहां जाता है साला अन्नता बिड़ता रहता है आप मेरा ट्रांसफर कहीं भी कर सकते हैं अरे इसको नहीं छोड़ूंगा मैं एक दिन नाक में नकेल डाल के खींच के लेके जाऊंगा तुझे मैं यहां से सबूत ले आइए ले जाइए हाजिर साजिर का दिमाग मेरा भाई अक्सर सोचा कि गैंगस्टर अपराधियों और अंडरवर्ल्ड पर बनने वाली फिल्मों में कुछ ऐसी शैली तो की फिल्मों से इतने आकर्षित हैं हालांकि मैं इस शैली की फिल्मों का जबरदस्त प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन साथ ही मुझे यह कहना होगा कि मैंने मुंबई में बनी क्राइम बेस्ड फिल्में दीवार धर्मात्मा परिंदा अग्निपथ सत्या वास्तव गैंगस्टर शूट आउट एट लोखंड वाला टाइम इन मुंबई का भरपूर आनंद लिया इन फिल्मों में फिल्म इंडस्ट्री के कई सारे बड़े नाम जुड़े थे इन फिल्मों को याद रखने योग्य वैल्यू है मेरे मन में एक अमित छाप छोड़ने के अलावा इन फिल्मों ने समय समय की रेत पर भी एक अमित छाप छोड़ी रईस के बारे में जबरदस्त अटकलें हैं इस फिल्म की कहानी असल जिंदगी से प्रेरित है यह असल जिंदगी के किरदारों पर आधारित है सच कहूँ तो फिल्म में दिखाए गए किरदारों की प्रमाणिकता पर टिप्पणी करने के लिए या अटकलों को जांचने के लिए मैं सही शख्स नहीं हूँ लेकिन एक स्नेह प्रेमी होने के नाते मुझे यह स्वीकार करना होगा कि रईस ने मुझे अपनी दुनिया में पहुंचा दिया अपराधियों के जीवन पर आधारित ज्यादातर फिल्मों की एक सुनिश्चित प्रकथा होती है एक आदमी का जुर्म का रास्ता अपनाना उसका एक नामी ग्रामी अपराधी बन जाना अमीर और प्रभावशाली लोगों में उठना बैठना लेकिन आखिर में कानून के हाथों सब हिसाब किताब बराबर हो जाना रईस भी ऐसी ही खाका प्लाट लाइन पेश करती है अंतर सिर्फ इतना है कि इस शैली की कई फिल्मों की तुलना में यह फिल्म दृष्टिकोण में अधिक यथार्थवादी है निर्देशक राहुल ढुलकिया ने रईस में एक दमदार पावर प्ले और रईस व ईमानदार पुलिस वाले जयदीप के बीच चूहे बिल्ली जैसा पीछा बहुत ही प्रभावशाली ढंग से दर्शाया है मेरी राय से यही इस फिल्म का मुख्य आधार है यह कहने के बाद मैं स्वीकार करता हूँ जो फिल्म को एक ऊंचाई पर लेकर जाता है वो है शहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिन्होंने अपने अपने हिस्से के बेहतरीन किरदार निभाए सन 1980 की दशक की पृष्ठभूमि में रई सिस्टम प्रणाली को हराने की कोशिश करता है और अपनी शर्तों पर सफल भी हो जाता है उद्यमशीलता के लिए उसका प्राकृतिक स्वभाव और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के दौरान कभी हार न मानने वाले दृढ़ संकल्प ने उसे प्यार और डरावना दोनों बना दिया उसे प्यारा और डरावना दोनों बना दिया और फिर होती है अपराध को खत्म करने और रईस के साम्राज्य को खत्म करने की प्रतिज्ञा ली है कि एंट्री बीते हुए युग को एक बार फिर से बनाना वाकई बहुत मुश्किल काम है लेकिन सबसे मुश्किल हिस्सा है वर्तमान के दर्शकों जिन्हें उन किरदारों और युग के बारे में कोई जानकारी नहीं है को शामिल करना प्रोडक्शन के बिना किसी गलती के उस युग को बेहतरीन ढंग से बनाया है ढोलकिया और उनके लेखक की टीम ने इस फिल्म इस बात का पूरा ख्याल रखा कि फिल्म की लिखित सामग्री इतनी शक्तिशाली हो कि दर्शक तल्लीनता से फिल्म का मजा ले परिणाम स्वरूप यह फिल्म न केवल 1980 के दशक की यादें ताजा करती है बल्कि आपको उन बीते दिनों को महसूस भी कराती है और इसलिए इसके किरदारों और एपिसोड जो फिल्म में हाईलाइट किए गए हैं का धन्यवाद ढुड़किया वास्तव में कट्टर व्यवसायिक फिल्म निर्माता होने के लिए नहीं जाने जाते हैं लेकिन जब आप इनके काम करने का तरीका देखते हैं तो आपको खुद ब खुद यह महसूस हो जाता है कि उनका झुकाव वास्तविकता में ज्यादा है बजाय कृतमिकता के लेकिन रईस के बारे में बात करें तो रईस में वास्तविकता और मसाला दोनों ही आश्चर्यजनक रूप से जोड़ा है फिल्म की कहानी बिना जोड़ के सीधे रोमांस से कौन किससे बढ़ के के खेल की ओर रुख कर लेती है जब चोर पुलिस की भिड़त होती है ये एक बड़े बजट की फिल्म है और शाहरुख और ढुलकिया भली भांति जानते हैं कि दाव बड़ा है उन्होंने वास्तविकता को बनाए रखा है और इस बात का ख्याल रखा है कि फिल्म की गति और ऊर्जा कदाचित कम न हो लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने शाहरुख खान के करोड़ों प्रशंसकों को जरा भी निराश नहीं किया है एक कहानी वक्ता के रूप में वह लेप लेते हैं और लिखित सामग्री के साथ पूरा न्याय करते हैं और साथ ही फिल्म के हर किरदार से उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस को निचोड़ने में कामयाब रहते हैं फिल्म का फर्स्ट हाफ आपकी उत्सुकता को खोल कर रख देता है और फिर आप सेकंड हाफ देखने के लिए ललायत हो जाते हैं लेकिन यह समस्या पैदा होती है इंटरमिशन के बाद फिल्म की गति धीमी पड़ जाती है और रोमांटिक गीत और कुछ सीक्वेंस सीन विफल हो जाते हैं शुक्र है फिल्म फिर से अपनी रफ्तार पकड़ती है जब रईस की ज़िंदगी में एक नाटकीय मोड़ लेती है जो कि फिल्म का हाई वोल्टेज क्लाइमैक्स है फिल्म का साउंड ट्रैक अच्छा है हालांकि फिल्म के डांस और गीत में थोड़ी और गुंजाइश हो सकती थी फिल्म के गाने लैला में लैला और जालमा गाना पहले से दर्शकों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे हालांकि लैला में लैला गाना के महत्वपूर्ण मोड़ पर आता है और कहानी को आगे ले जाता है बैकग्राउंड स्कोर प्रभाव उत्पादक है विशेष रूप से सिग्नेचर ट्यून जिसे कथानक में उदारपूर्वक इस्तेमाल किया गया फिल्म की सिनेमाटोग्राफी ने चल्यू लाइट पर स्थानों को बहुत ही शानदार ढंग से कैप्चर किया है एडिटिंग एकदम कसा हुआ है दर्शकों को ध्यान में रखकर डायलॉग बनाए गए जो अपना असर छोड़ते हैं बनिए का दिमाग और मियाँ भाई की डेयरिंग और अम्मी जान कहती थी कि कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता जैसे कई डायलॉग पहले ही दर्शकों के बीच अपनी जगह बना चुके हैं मुझे नवाजुद्दीन के लाइनों पर भी ध्यान आकर्षित करना चाहिए वो लोगों में उत्साह और उमक भर देते हैं विशेष रूप से फर्स्ट हाफ में एक्शन सीक्वेंस बेहद दमदार हैं रईस में शानदार प्रदर्शन लगातार उल्लेखनीय है शाहरुख बढ़िया कलाकार के साथ साथ शो स्टीलर भी हैं फिल्म में उनका गिरे किरदार उनके करियर के प्रारंभ में उनकी पुरस्कार योग्य परफॉर्मेंस की याद दिलाता है नवाजुद्दीन ने अपने सह कलाकार की प्रतिभा से मैच करते हुए अपनी शानदार परफॉर्मेंस देते हैं दोनों शाहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का प्रदर्शन आपको फिल्म की कहानी के साथ साथ किरदारों में डुबा देता है माहिरा खान बेहद खूबसूरत लगती हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने किरदार को निभाती हैं मोहम्मद जीशान अयूब की एक ठोस भूमिका में पूरी तृश्य डूब जाते हैं और एक बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं अतुल कुलकर्णी अपनी मौजूदगी एक प्रतिबंध प्रदर्शन के साथ महसूस कराते हैं शिबा चड्ढा एक संक्षिप्त भूमिका में जचती हैं नरेंद्र झा जयदीप अहलावत उत्कर्ष मजूमदार प्रमोद पाठक और उदय तिकेकर अपने अपने भागों में परिपूर्ण हैं। सनी लियोन लैला में लैला आइटम नंबर में सनसनी फैला देती हैं। कुल मिलाकर रईस पक्के तौर पर एक हिट फिल्म है इसमें कोई शक नहीं है कि शाहरुख खान एक सेंसनल अभिनेता हैं जो प्यार मनोहार और स्टारडम शहरों को उनकी प्रारंभिक फिल्मों में प्राप्त हुआ वही सब कुछ एक बार फिर रेस में ही देखने को मिलेगा इस फिल्म को हिट कराने में कुछ तथ्यों का भारी योगदान है और उनमें शामिल है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जबरदस्त परफॉर्मेंस भीड़ जुटाने के लिए लिखी गई है इसकी विशेष सामग्री और निसंदेह इसका मनोरंजक क्लाइमैक्स फिल्म रईस उन्नीस सौ अस्सी के दशक में गुजरात आधारित एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है यह ऐसे तस्कर की कहानी है जिसके धंधे को एक सख्त पुलिस अधिकारी ने चौपट कर दिया क्लेश और रेड सिलिश एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित यह फिल्म 25 जनवरी 2017 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी कहानी गुजरात के फतेहपुर की है जहाँ फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटे बच्चे रईस आलम से जो गरीबी के कारण शराब तस्करी में आ जाता है स्कूल में उसे ब्लैक बोर्ड पर पढ़ने में दिक्कत होती है पड़ोस का डॉक्टर उसे चश्मा लेने की सलाह देता है चश्मा पहनने के बाद रईस आलम हर किसी को वार्निंग देता है बैटरी नहीं बोलने का शराब तस्करी के लिए पड़े छापे में उसकी अम्मी उसे बचाने जाती है और बोलती है कि कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता बस इसको रईस अपनी ज़िंदगी का मूल मंत्र बना लेता है इसके बाद रईस शराब के बिजनेस में अपने दोस्त सादिक के साथ आ जाता है और शराब तस्कर के बादशाह जयराज सेठ का दाया हाथ बन जाता है और बनिए का दिमाग और मियाँ भाई की डेयरिंग को सब जानते हैं जैसे जैसे समय बीतता है रईस अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है सादिक रईस का बेस्ट फ्रेंड है रईस अपने एम्पायर का बॉस बन जाता है पुलिस नेता हर किसी से उसकी साठ गाठ है और उसका काम होता रहता है लेकिन वो साथ ही साथ देसी रॉबिन हुड भी है चाहे उसके पड़ोसी हों मोहल्ले वाले या कोई और वो कभी मदद करने से हिचकिचाता नहीं है कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर जदीब मजुमदार से होती है जिसका ट्रांसफर रईस के इलाके में होता है जदीम मजुमदार का एक ही इरादा होता है कि रईस के बिजनेस को मिट्टी में मिला देना है उसे आप कहते सुनेंगे कि रईस का और मेरा रिश्ता बड़ा अजीब है पास रह नहीं सकता और सलाह दूर जाने को नहीं देता पास रह नहीं सकता और दूर जाने नहीं देता पास रह नहीं सकता और सलाह दूर जाने नहीं देता इसके बाद फिल्म चूहे बिल्ली का खेल शुरू होता है इसके बाद फिल्म में चूहे बिल्ली का खेल शुरू होता है शाहरुख खान की फिल्म रईस आपको 70 और 80 के दशक की टिपिकल मसाला फिल्मों की याद दिलाएगी जिसका हीरो बुरा काम तो करता है लेकिन वो गरीबों का मसीहा भी है एक पुलिस वाला है जो गंदी राजनीति के बीच भी अपना काम ईमानदारी से करता है खूबसूरत हिरोइन है और हीरो की परछाई बनकर रहती हैं एक वफ़ादार दोस्त है जो हीरो के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार है साथ ही कुछ बुरे लोग सताई जनता बेबस माँ और खूब सारा एक्शन इसके अलावा हेलन की तर्ज पर सनी लेनी का एक आइटम सॉन्ग भी है जो खून ख़राबे के बीच सुकून देता है कहानी एट्टी के दशक के गुजरात पर बेस्ड है जहाँ रईस अपनी अम्मी के साथ रहता है घर की माली हालत ख़राब होने की वजह से स्कूल के टाइम से ही रईस का दिमाग धंधे की तरफ आकर्षित होने लगता है और वो स्कूल के बैग में शराब रखकर सप्लाई करने लगता है लेकिन बड़े होने के बाद रईस अपना खुद का धंधा शुरू करता है अपने दिमाग और डेयरिंग की वजह से वो जल्द ही अवैध शराब का बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है लेकिन इसी बीच एसीपी पी मजूमदार यानी नवाजुद्दीन सिद्ध की उसके पीछे पड़ जाता है जो काफ़ी कड़क पुलिस वाला है लेकिन रईस का धंधा रोक पाने की हजार कोशिश करने के बावजूद भी मजूमदार उसे पकड़ नहीं पाता इस दौरान कहानी में कई उतार चढ़ाव आते हैं जिनमें चुनाव दंगे बम ब्लास्ट जैसी कई घटनाएं दिखाई जाती हैं फिल्म की एंडिंग भी काफ़ी दिलचस्प है के मोहनन की सीनेटोग्राफी कमाल की है बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा बनाया गया है जिसकी वजह से एट्टी के दशक का माहौल पूरी फिल्म के दौरान बना रहता है फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है इसके डायलॉग्स जो ऑडियंस को तालियां बजाने पर मजबूर कर देते हैं फिल्म का फर्स्ट हाफ अच्छा है लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म की रफ़्तार सुस्त हो जाती है जिसे ठीक किया जा सकता था साथ ही फिल्म के एक दो गाने भी इसकी रफ़्तार पर असर डालते हैं सिर्फ़ सनी लेवनी पर फिल्माया गया आइटम सॉन्ग ही कहानी के साथ सिर्फ सनी लेनी पर फिल्माया गया आइटम सॉन्ग ही कहानी के साथ फिट बैठता है फिल्म के सेकंड हाफ को और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था रईस पूरी तरह से शाहरुख खान की फिल्म है उनका काम शानदार है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग भी बेहतरीन है फिल्म में जब भी दोनों साथ नजर आते हैं एडवेंचर बढ़ जाता है जहाँ एक तरफ नवाजुद्दीन की लिख लेने की स्टाइल है वहीं दूसरी तरफ शाहरुख खान के डायलॉग बोलने का अंदाज़ कमाल का है मोहम्मद जीशान अयूब अतुल कुलकरी और बाकी एक्टर्स का काम भी अच्छा है पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान के लिए करने को ज़्यादा कुछ नहीं था एक दो गाने और चुनिंदा रोमांटिक सीन में भी वो अपना असर छोड़ नहीं पाती सेकंड हाफ़ में उनका रोल थोड़ा उभर कर आता है लेकिन वो भी कुछ देर के लिए फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है लेकिन सॉन्ग में सिर्फ लैला में लेला ही कहानी के साथ फिट बैठता है यूँ तो फिल्म को लेकर शुरू से कोई ना कोई विवाद रहा है लेकिन फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स हैं जिन पर विवाद हो सकता था फिर चाहे वो बोचड़ खाने में जानवरों को काटने का सीन हो या फिर गांधी की मूर्ति से चश्मा उतारने का सीन कुल मिलाकर ये फिल्म एक नए पैकेट में पुराने माल की तरह है और अगर आप शहरुख खान और नाजुद्दीन सिद्दीकी के फैन हैं तो आप एक बार ये फिल्म जरूर देखें लंबे अरसे से रिलीज को तरस रही शाहरुख खान की फिल्म रईस सत्तर और अस्सी के दशक की टिपिकल मसाला फिल्मों की याद दिलाती है इस फिल्म का हीरो गैरकानूनी काम तो करता है लेकिन वो गरीबों का मसीहा भी है इस हीरो के साथ है एक खूबसूरत हीरोइन जो हीरो की परछाई की तरह है हीरो का एक जिगरी दोस्त जो उसके लिए अपनी जान भी दे सकता है फिर एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर जो अपने काम को पूरी ईमानदारी से पूरा करता है इन सबसे बेबस माँ अत्याचार की मारी जनता कुछ बुरे लोग और खूब सारा एक्शन इतने मसाले के बाद एक जबरदस्त आइटम नंबर जो हेलिन की याद दिलाता और खून खराबे के बीच राहत देता है फिल्म की कहानी अस्सी के दशक के गुजरात पर आधारित है जहाँ रईस अपनी अम्मी के साथ रहता है घर की माली हालत बहुत ख़राब रहती है जिससे रईस का दिमाग शुरू से ही धंधे की तरफ रहता है रईस बचपन से ही स्कूल बैग में शराब रखकर सप्लाई करने लगता है लेकिन बड़े होने के बाद वो खुद का धंधा शुरू करता है अपने दिमाग और निडरता से अवैध शराब कारोबारी में बड़ा नाम बन जाता है सब कुछ ठीक चल रहा होता है तभी एक ए मजूमदार रईस के पीछे पड़ जाता है मजूमदार एक कड़क पुलिस ऑफिसर है जो शराब के अवैध कारोबार को रोकने की कई कोशिशें करता है तमाम कोशिशों के बावजूद भी रईस उसकी पकड़ से आजाद ही रहता है कई उतार चढ़ाव से गुजरते हुए इस कहानी का अंत काफ़ी दिलचस्प होता है फिल्म का निर्देशन उमदा है फर्स्ट आप काफी कसा हुआ है लेकिन सेकेंड हाफ में फिल्म आपको अजीब से रॉबिन हुड जोन में लेकर जाती है यहाँ अचानक से एंटी हीरो के ख्याल बदलने लगते हैं और वो मसीहा बनने लगता है सरपट भागती फिल्म लेने लगती है खैरियत बात करें सिनेमाटोग्राफी की तो के यू मोहनन का काम कमाल का रहा है फिल्म आपको अस्सी के दशक में ही लेकर जाती है वही इस फिल्म के वन लाइनर भी जबरदस्त हैं वन लाइनर्स पर फिल्म को दर्शकों की खूब तालियां भी मिलती हैं जब सनी लेवनी अपने आइटम नंबर लैला में लैला लेकर आती हैं तो दर्शक झूम उठते हैं वही कुछ गाने फिल्म की रफ्तार बेचा ही सुस्त कर देते हैं फिल्म रईस को पूरी तरह शाहरुख खान की फिल्म कहने में दो राय नहीं है उनका प्रदर्शन भी बेहतरीन है गुस्से और फुर्तीला गुस्से और फुर्ती से भरे शहरुख इस बार अपनी बाहें फैलाते नहीं बल्कि दूसरों को तोड़ते नज़र आ रहे हैं वही नवाजुद्दीन ने ही शानदार अदाकारी की है फिल्म में जब जब दोनों कलाकार एक फ्रेम में नज़र आए रोमांच चरम पर पहुंचा मोहम्मद जीशान अयूब अतुल कुलकर्णी के साथ बाकी कलाकारों ने भी अच्छा काम किया है हालांकि पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा महज एक सौ पीस ही लगी हैं फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर बढ़िया है लेकिन बाकी गानों में सिर्फ लैला में लैला ही कहानी के हिसाब से अच्छा लग रहा है जैसे ही रईस फिल्म खत्म होती है मन में सवाल आता है कि इस फिल्म की ज़रूरत क्या है क्यों बनाई गई है निर्माता निर्देशक सितारे आखिर कहना क्या चाहते हैं हिंदी सिनेमा में सैकड़ों फिल्में हैं जिनमें घोर गरीबी में पला बड़ा बच्चा बड़ा होकर गैंगस्टर नुमा अपराधी बनता है और कोई जिद्दी पुलिस वाला उनके पीछे लगा होता है पुलिस वालों को छकाते हुए फिल्म में छाए रहने वाले हीरो की मौत अंत में पुलिस वाले की गोली से होती है रेस की कहानी इससे ज्यादा नहीं है नया क्या है ना बनिया का दिमाग दिखता है और ना मियाँ भाई की डेयरिंग शाहरुख खान चले हुए कारतूस नजर आते हैं और राहुल ढुलकिया अध्यय सितारे के मध में निशानची कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता इसलिए धन से फिल्म के लिए तारीफें और अवार्ड खरीदे जा सकते हैं हिट का तिलस्मा रचा जा सकता है रईस को काल्पनिक कहानी मानना आधा सच है या गुजरात में अवैध शराब का कारोबार करने वाले कुख्यात अपराधी अब्दुल लतीफ का फिल्मी संस्करण है जिस पर ग्लैमर का वर्क चढ़ा है लतीब पर नाइनटीन एटी टू नाइन्टी के दशक में गांधी की धरती पर अवैध शराब के धंधे हत्या अपहरण तस्करी के दर्जनों मामले समेत आतंकवादी तथा विघटनकारी क्रियाकलाप अधिनियम यानी डाटा तक लगा था मुंबई बम धमाकों में उसका नाम सीधे नहीं आया मगर वह आतंकी दाऊद इब्राहिम से कनेक्ट और कराची में उसका मेहमान था लतीफ पुलिस की गिरफ्त से फरार होने की कोशिश करते हुए मारा गया रईस की कहानी में लतीफ और उससे जुड़े आपराधिक राजनीतिक सूत्रों के ताने बाने हैं यहाँ रईस को रॉबिनहुड अंदाज से रंगते हुए गरीबों का मसीहा दिखाने की कोशिश है गौर से देखो तो टिकट खिड़की पर लगातार पिट रहे शाहरुख खान यहाँ सलमान खान के फिल्मों में यहाँ सलमान खान के फिल्मों में चैरिटी करने के फार्मूले से सहानुभूत बटोरने की लचर कोशिश में थे कई हिस्सों में रईस एंग्री यंगमैन अमिताभ बच्चन की एंट्री हीरो फिल्मों की खराब फोटो कापी जैसी है शाहरुख ना गुस्से और एक्शन में जमते हैं ना रोमांस करते हुए पुलिस बने नवाजुद्दीन सिद्दीकी पूरी फिल्म में उन पर हावी हैं नवाज़ फिल्म को ना संभालते तो यह भर कर गिर ही पड़ती माहिरा खान सुंदर हैं परंतु उनकी भूमिका बेहद कमजोर है गीत संगीत औसत है बैकग्राउंड म्यूजिक जरूर 1980 के दशक की, की यादें ताज़ा करता है सनी लियोनी का आइटम डांस लैला जिस मोड़ पर आता है वहाँ रईस की परिस्थितियाँ इतनी तनाव भरी हैं कि यह असर नहीं छोड़ पाता अगर आप इतने रईस हैं कि ऐसी बासी निरर्थक फिल्म पर अगर आप इतने रईस हैं कि ऐसी बासी निरर्थक फिल्म पर नोट उड़ा सकते हैं तो इसे देखें उस साल दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई थी शाहरुख खान की रईस और ऋतिक रोशन की काबिल एक ही दिन दो बड़ी फिल्में रिलीज होने से दोनों अभिनेता परेशान थे कि कहीं एक फिल्म की वजह से दूसरे के कारोबार को नुकसान न पहुंचे ऐसे में सारा दौरमदार फिल्म की कहानी और उसके कंटेंट पर था साल की शुरुआत में बॉलीवुड के दो दिग्गजों की फिल्म एक ही दिन रिलीज होने से दर्शकों के सामने बड़ी उलझन थी राय इस फिल्म की कहानी सबसे बड़ी खासियत है कि यह शाहरुख खान की पहली पूरी एक्शन फिल्म है शाहरुख खान के अभिनय की तारीफ करनी पड़ेगी गैंगस्टर की भूमिका को उन्होंने इतनी बाखूबी से निभाया है अभिनय के मामले में नौजुद्न सिद्दीकी भी इस फिल्म में बराबर खड़े दिखते हैं फिल्म में एक्शन भरपूर है कई जगहों पर फिल्म काफ़ी रियलिस्टिक लगती है फिल्म में अस्सी के दशक के गुजरात का शानदार खाका खींचा गया है फिल्म के निर्देशक राहुल ढलकिया का निर्देशन अच्छा है और फिल्म का स्क्रीन प्ले काफ़ी कसा हुआ है जैसा कि हर फिल्म में होता है कुछ अच्छे पॉइंट्स के साथ कुछ कमजोर पॉइंट्स भी होते हैं जो इस प्रकार है फिल्म की कहानी में कुछ भी नया नहीं लगता है इस तरह की गंगेस्टर फिल्में पहले भी कई बार बन चुकी हैं इस फिल्म में आपको अमिताभ की अग्निपथ अजय देवगन की वन ए टाइम इन मुंबई जैसी फिल्मों की झलक नजर आती है लगता है कि उन्हीं को मिला कर एक फिल्म बना दी गई है पौने तीन घंटे लंबी फिल्म बोझिल लगती है आइटम सांग और रोमांटिक गाने ठूसे हुए लगते हैं फिल्म का क्लाइमैक्स आपको चौंका सकता है के फैंस को हो सकता है क्लाइमैक्स हजम ना हो बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के अभिनय से सजी फिल्म रईस 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो चुकी थी दर्शक लंबे वक्त से फिल्म के प्रदर्शन का इंतजार कर रहे थे इसके ट्रेलर और गानों को काफ़ी पसंद किया गया था शाहरुख खान ने इसके प्रमोशन में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी चाहे सलमान खान सो बिग बॉस में जाना हो या मुंबई से दिल्ली तक ट्रेन में सफ़र करना हो किंग खान अपनी इस फिल्म के प्रचार में जुटे हुए थे हालांकि फैंस के लिए शाहरुख खान की फिल्म का रिलीज होना अपने आप में एक बड़ी बात थी यह कहानी गुजरात में रहने वाले एक छोटे बच्चे रईस आलम की है जो गरीबी के कारण शराब तस्करी के धंधे में पड़ जाता है उसका सपना है कि एक दिन वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा पढ़ाई के साथ साथ वह शराब बेचने का भी काम करता है उसकी माँ ने हमेशा उसे सिखाया है कि कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता बस माँ की इस बात को ध्यान में रखकर शराब की तस्करी करते हुए वह बच्चा एक बड़ा हो जाता है देखते ही देखते वह गुजरात का एक बड़ा शराब माफिया बन जाता है रईस का बेस्ट फ्रेंड सादिक जो हमेशा उसके साथ रहता है इसके बाद फिल्म में एंट्री होती है इंस्पेक्टर जयदीप मजूमदार की जिसका एक ही मकसद है रईस के धंधे को रोकना फिल्म के संवाद काफी बेहतरीन है फिल्म में शाहरुख खान एक अलग ही अंदाज में नजर आए थे वह बेहतरीन डायलॉगबाजी करते हुए भी दिखाई दे रहे थे एक बार फिर वह इस फिल्म में दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब हुए थे वहीं दूसरी तरफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी पुलिस अधिकारी के किरदार को बाखूबी पर्दे पर उतारा था अभिनय से लेकर उन्होंने संवादों को शानदार ढंग से पर्दे पर पेश किया था पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान की बात करें तो बेहद खूबसूरत नज़र आ रही थी लेकिन वह कुछ ही सीन में नजर आई हैं मोहम्मद जिसान अयूब रांझड़ा और तनु बेट्स मनु रिटर्न के बाद एक बार फिर इस फिल्म में जबरदस्त रोल में दिखे थे राहुल ढुलकिया ने रईस को नाइन्टी के दशक को दिखाने की पूरी मेहनत की है इस फिल्म को देखते हुए कई जगहों पर आपको पुराने दौर की फिल्में याद आ जाएंगी जिसमें हर कोई हीरो के सामने आकर कमजोर हो जाता है वही हीरो का अपनी माँ की ओर बेनतहा प्यार दिखाया गया है फिल्म में शाहरुख खान का होना उनके फैंस के लिए देखना यही सबसे बड़ा कारण साबित होता है वही इसमें आपको बेहतरीन डायलॉगबाजी एक्शन रोमांस और ड्रामा एक साथ देखने को मिलेंगे फिल्म के गाने पहले ही हिट हो चुके थे सनी लेवनी का लैला अंदाज आपको दीवाना बना देगा मूवी की कहानी को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि यह मूवी अस्सी और नब्बे के दशक में गुजरात के अवैध शराब का धंधा करने वाले गैंगस्टर अब्दुल लतीफ पर आधारित है लतीफ का गुजरात में अवैध शराब का बड़ा साम्राज्य था अब्दुल लतीफ अहमदाबाद की गरीब बस्ती में पला बढ़ा था उसे जल्द ही समझ आ गया था कि बिना पैसे और पावर से अच्छी जिंदगी को नहीं जिया जा सकता लतीफ के पिता तम्बाकू बेचते थे उसने अपने घर वालों की मदद के लिए छोटी ही उम्र में जुआ घरों में काम करना शुरू कर दिया लतीफ़ के सात भाई बहन थे अब्दुल लतीफ अपराध जगत में पहली बार उस वक्त रूबरू हुए जब उसकी मुलाकात मंजूर अली से हुई मंजूर अली एक जुआ घर चलाता था मंजूर ने जब लतीफ़ के एक अवैध शराब के धंधे वाली जगह पर काम करते देखा तो उसे अपने बिजनेस की बागडोर संभाला लतीफ़ जल्द ही अवैध शराब के धंधे में नियम सीखता गया और उसने कुछ ही सालों में अपनी ही एक गैंग खड़ी कर ली अवैध शराब के धंधे के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स रिलेटर्स रिटेलर्स सप्लायर्स एक्साइज विभाग और पुलिस से संपर्क बना लिए इसके बाद उसका धंधा चल निकला इसी तरह उसके राजनीति में भी अच्छे संपर्क बन गए इसके साथ ही उसने राज्य में अवैध शराब के धंधे का एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया इस दौरान लतीफ एक राजनीतिक पार्टी के मुख्य निशान बन गए इस दौरान लतीफ एक राजनीतिक पार्टी के मुख्य निशाना बन गए लतीफ पूरे गुजरात में एकाधिकार चाहते थे इसलिए उसने अपने प्रतिद्वंदी गुटों को खत्म कर दिया ऐसे में यह एक राजनीतिक मुद्दा बन गया 1990 में भाजपा ने इसका फायदा विधानसभा चुनाव में उठाने की कोशिश की लेकिन लतीफ जनता दल के नेतृत्व के नजदीक थे जनता पार्टी भाजपा की सहयोगी पार्टी थी ऐसे में यह सुलझा लिया गया हालांकि जब 1995 में भाजपा ने अकेले लड़ने का फैसला किया तो लतीफ को फिर टारगेट बनाया गया इसमें पार्टी को इसका अच्छा फायदा भी हुआ अंडोवर्ड दान दाऊद इब्राहिम से नज़दीकियों की वजह से उसके अवैध शराब के कारोबार में गिरावट आई थी उस पर 1992 के मुंबई ब्लास्ट में हथियार सप्लाई करने का भी शक था हालांकि उसका नाम दंगे के 198 आरोपियों में भी शामिल नहीं किया गया उसने एक बार पूछताछ के दौरान यह भी स्वीकार किया कि जब वह पंद्रह महीने कराची में रहा तो नियमित दाऊद इब्राहिम से मिलता था हालाँकि उसकी मुलाकात बिजनेस के सिलसिले में होती थी गुजरात में जब लतीफ का अवैध शराब का कारोबार चलता था तो उस पर सत्तानवे केस दर्ज थे जिसमें पंद्रह केस हत्या के शामिल थे उसे 10 अक्टूबर 1995 को एटीएस ने दिल्ली के जामा मस्जिद से गिरफ्तार किया था एटीएस ने उसे दो महीने तक जोड़ा था इसके बाद वह ए के हत्थे चढ़ा दो साल बाद अब्दुल लतीफ को उस वक्त इनकाउंटर में मार गिराया गया जब वह बचकर भागने की कोशिश कर रहा था उसकी गिरफ्तारी और इनकाउंटर भाजपा के पक्ष में हुई थी शाहरुख खान की मूवी रेस के निर्माताओं का कहना है कि अब्दुल लतीफ की कहानी से कुछ पहलू जरूर लिए गए हैं लेकिन मूवी की कहानी का उनसे कोई लेना देना नहीं है रईस बॉक्स ऑफिस पर वह सफलता नहीं प्राप्त कर सकी थी जिसकी इसकी उम्मीद की जा रही थी फिल्म बेहतरीन थी कमी थी तो सिर्फ सॉलिड एक्शन की दुआ भी अस्तर का होता तो निश्चित रूप से फिल्म ने 300 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया होता खैर आज इस फिल्म को दोबारा से देखने का मौका मिला फिल्म देखते समय ऐसा महसूस हुआ कि अभी हाल ही में हमने इसी तरह के कथानक पर एक आधारित ब्लॉकबस्टर फिल्म देखी है रईस को देखते हुए लगा कि यह तो पुष्पा दराइज की कहानी है एक दलित व्यक्ति की लत्ता से धन की कहानी जो खुद को अवैध व्यापार व्यवसाय में पाता है अपने भरोसेमंद दोस्त के साथ और कानून के साथ संघर्ष करता है क्या हम अल्लू अर्जुन की पुष्पा दराइज या शाहरुख खान की रईस के बारे में बात कर रहे हैं सुपरहिट फिल्म शाहरुख खान के सभी प्रशंसकों के लिए एक ट्रीट थी पशपाती लगाने के जोखिम पर वह कभी इतने अच्छे नहीं दिखे फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऋतिक रोशन की काबिल के साथ और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट से पता चलता है कि काबिल से कम कमाई की रईस आज भी एक प्रशंसक पसंदीदा है रईस के बाद हमने शाहरुख खान को जब हैरी मेट सोजल और जीरो में देखा किंग खान के प्रशंसक उस फिल्म को भूल नहीं पाएंगे इसलिए हम शाहरुख खान की अगली पठान की प्रत्याशा में रईस को फिर से देख रहे हैं अब हमारी तरह शाहरुख खान के कई अन्य प्रशंसक भी फिल्म को फिर से रहे हैं और क्या लगता है उन्हें भी हमारी तरह रईस और नई राष्ट्रीय गरीबी और अन्य चुनौतियों से लड़ते हुए जो उनके रास्ते में आ सकते हैं और अंत में विजयी होकर उभरना कुछ ऐसा है जिसे हम सिनेमाई पर्दे पर देखना पसंद करते हैं बेशक रईस और पुष्पा दोनों हमें वह देते हैं कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है हम देखते हैं कि पुष्पा राज और रईस आलम दोनों अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट और कड़ी मेहनत करते हैं उनकी चित्र बुद्धि ही उनका एकमात्र हथियार है और पैसा कमाना ही उनका एकमात्र उद्देश्य है आखिरकार हम देखते हैं कि दोनों अपने अपने सिडिकेट के नेता बनते हुए अपने खेल के शीर्ष पर पहुंच जाते हैं दोनों अवैध व्यापार में शामिल हैं जो उन्हें नायक विरोधी छाया भी देता है और यह कुछ ऐसा है जिसे हम हमेशा प्यार करते हैं खासकर जब शाहरुख खान की बात आती है शाहरुख खान की फिल्म रईस अब्दुल लतीफ़ की ज़िंदगी पर आधारित बताई जा रही है आइए जानते हैं अब्दुल लतीफ के बारे में कुछ बातें जो शायद आपको नहीं पता होंगी 1951 में जन्मे अब्दुल लतीफ ने शुरुआती दौर में गुजरात के अहमदाबाद में एक जुए और शराब के ठेके पर तीस रुपये महीने की नौकरी से की थी उस समय गुजरात में शराबबंदी लागू थी इसी के चलते लतीफ को तस्करी के धंधे में पैसा दिखने लगा और वो इस कारोबार में घुस गया एक पुलिस ऑफिसर ने बताया कि उन दिनों लतीफ़ पागलों की तरह पैसे छाप रहा था वह स्थानीय पुलिस वालों को हफ्ता और महंगे गिफ्ट देता था कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक उसमें गिफ्ट लेने वालों में थे पुलिस वालों को सबक सिखाने के लिए लतीफ ने नेताओं से संपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया उसने राजनीतिक दलों को चंदा देने शुरू कर दिया नाइनटीन के दशक में अहमदाबाद में कई बार दंगे हुए लतीफ ने उस समय दंगा पीड़ितों की बड़ी मदद की गरीबों और पीड़ितों की मदद करके लतीफ ने अहमदाबाद में रॉबिनहुड जैसी छवि बना ली शराब माफिया और गैंगस्टर अब्दुल लतीफ ने 1986 एटी टू में अहमदाबाद नगरपालिका चुनाव में पांच सीटों पर एक साथ जीत हासिल की थी गुजरात में हुई कई हत्याओं में लतीफ का नाम सामने आया जिसके बाद लतीफ नाइनटीन में दुबई के रास्ते पाकिस्तान भाग गया था नाइनटीन में गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने लतीफ़ को पुरानी दिल्ली के एक पीसीओ सी से गिरफ्तार किया लतीफ करीब दो साल तक साबरमती जेल में रहा पुलिस के अनुसार नवंबर 1997 में लतीफ ने भागने की कोशिश की और पुलिस मुठभेड़ में मारा गया शहरुख खान एक बातचीत में अपनी फिल्म अपने किरदार और नोटबंदी के बारे में बात करते हुए शहरुख खान ने कहा था फिल्म रईस में मेरे किरदार की कहानी सात साल से सैंतालीस साल तक की है फिल्म में मेरे लुक को बढ़ती उम्र के साथ बदलता हुआ दिखाया जाएगा फिल्म के पोस्टर में जो दाढ़ी वाला लुक है वह मेरी इम्तियाज़ अली की फिल्म के लिए भी काम आ गया क्योंकि इम्तियाज को भी मेरी दाढ़ी वाला लुक ही चाहिए था क्योंकि उनकी फिल्म का कैरेक्टर पंजाबी है तो थोड़ी पंजाबी वाली दाढ़ी के साथ इम्तियाज़ की फिल्म में नज़र आऊँगा शाहरुख खान राइस में अपने नेगेटिव रोल को ही अपनी ही फिल्म डॉन के किरदार से तुलना करते हुए बताते हैं दोनों ही नेगेटिव किरदारों में फ़र्क है डॉन जो भी करता है सब स्टाइलिश सेक्सी और कूल लगता है और आप उसके लिए यही सोचेंगे कि डॉन को कभी मारा ना जाए रईस का किरदार अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना जानता है और गलती करने की इसकी कोई लिमिट नहीं है वो अपने धंधे से बड़ा किसी मजहब को नहीं मानता खबरें थी कि रईस का किरदार गुजरात के गैंगस्टर और शराब माफिया अब्दुल लतीफ की ज़िंदगी पर आधारित है शहरुख कहते हैं ये बात बिल्कुल गलत है रईस की कहानी बिल्कुल काल्पनिक कहानी है जो नब्बे के दशक पर बेस्ड है मुझे लगता है कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि हमारे लेखक निर्देशक और फिल्म की पृष्ठभूमि गुजरात की है हमें इसके लिए एक नोटिस भी आया था लेकिन इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है ये फिल्म किसी भी जिंदा या मर्ज के इंसान की कहानी नहीं है मैंने उसके ऊपर बनी एक गुजराती फिल्म देखी है हम वही फिल्म फिर से क्यों बनाएंगे रेस में सनी लेवनी पर सुपरहिट गाना लैला में लैला फिल्माया है इस पर शहरुख कहते हैं कि सनी का गाना कोई आइटम नंबर नहीं है जब फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा कि सनी का पार्ट फिल्म के लिए कितना ज़रूरी है फिल्म नब्बे के दशक की है तो हमने सोचा कि उस समय अगर कोई बार में जाता था तो कौन सा गाना बजता रहा होगा हमें लगा कि उस समय का सबसे हिट गाना तो यही था बस हमने इस गाने के अधिकार ले लिए वही नोटबंदी पर शहरुख कहते हैं अब तो आमिर खान की फिल्म दंगल ने अपने बिजनेस से साबित कर दिया है कि नोटबंदी का कोई असर मनोरंजन में नहीं हो रहा है मेरी फिल्म डियर जिंदगी भी आई थी और हमने जितना सोचा था उतना बिजनेस फिल्म ने किया नोटबंदी से आने वाला समय भ्रष्टाचार और काले धन से मुक्त होगा तो थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है तीन दशक पुरानी कहानी देखने के बाद आपके पास कहने सुनने को कुछ नहीं बचता सत्तर के दशक की कहानी लेकर आई फिल्म रईस एक गुजराती स्मगलर के इर्द गिर्द घूमती है रईस भाई जिन्हें पूरा गुजरात हुड मानता है लेकिन पुलिस की नज़र में रईस एक अपराधी है पूरी फिल्म में आपको बस चोर पुलिस का खेल दिखाई देगा और अंत वही पुराने ज़माने के स्टाइल में हुआ रईस के स्टंट देखकर आपको इंडियाज गॉ टैलेंट के प्रतिभागी याद आएंगे जो अपने मूव से दर्शकों से ताली बजवाते हैं एक्टिंग की बात करें तो शाहरुख ने अपने स्टाइल से अलग हटकर वास्तव के संजय दत्त की नकल उतारी है बस फर्क इतना है कि वास्तव में संजय दत्त पचास तोला की चैन पहनते थे जबकि रईस गोल्ड का चश्मा लगाते हैं जबकि रईस गोल्ड का चश्मा लगाते हैं अब समझ नहीं आता है पहले से तय था कि शूटिंग के दौरान शाहरुख खान के अंदर कुछ ज़्यादा ही समा गए और यह सब देखकर रोमांच कम हंसी ज़्यादा आती है नवाजुद्दीन की बात करें तो उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है सही बात कहे तो नवाज़ के दम पर फिल्म में कुछ चान आती है माहिरा को बस जगह भरने के लिए रखा गया है उनकी ज़्यादा जरूरत नहीं थी फिल्म देखने क्यों गए इसकी कोई ठोस वजह नहीं मिलती फिल्म में ना तो कोई मोटिव है और ना ही कोई मोटिवेशनल वही मनोरंजन की बात करें तो यह कहानी निम्न दर्जे की है और रही बात गानों की तो यह बेवजह और बेवकत दिखाई पड़ते हैं सही मायनों में देखा जाए तो गानों को वहाँ रखना चाहिए जहाँ फिल्म की कहानी नीचे गिरती दिखती है फिल्म के अंत में जो मैसेज आता है वह भी बेतुका लगता है आप सोशल वर्क करते हैं तो अपराध करना जायज़ है यह बात समझ नहीं आती इधर दर्शक शाहरुख खान की फिल्म रईस का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उधर खबर आ रही थी कि रईस अब मुश्किल में फंस सकती है यह फिल्म गुजरात के गैंगस्टर रहे अब्दुल लतीफ के जीवन पर आधारित बताई जा रही थी लतीफ के बेटे अहमदाबाद की एक कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी जिसमें पिता का नाम खराब करने का आरोप लगाते हुए एक सौ एक करोड़ रुपए की मानहानि का दावा भी ठोका था मुश्ताक ने शाहरुख खान पर इस फिल्म के जरिए अपने पिता का नाम खराब करने का आरोप लगाया था साथ ही फिल्म की रिलीज और प्रमोशनल मटेरियल के जारी होने पर भी रोक की मांग की थी उनका दावा था कि फिल्म के दूसरे हिस्से में लतीफ को गलत तरीके से पेश किया गया है मुश्ताक का कहना था कि लतीफ को गुजरे कई साल हो चुके हैं आज उनका परिवार एक अच्छी और इज्जतदार जिंदगी जी रहा है ऐसे में एक बार फिर जब उन लोगों का नाम लतीफ के नाम के साथ जोड़ा जा रहा था तो उससे उनकी परेशानियाँ और बढ़ रही थी मुश्ताक का कहना था कि फिल्म की स्क्रिप्ट लिखे जाते वक्त कुछ लोग उनकी फैमिली से मिलने आए थे प्रोड्यूसर इस बात का प्रचार भी कर रहे थे कि फिल्म लतीफ की जिंदगी पर आधारित है अगर ये सच है तो इस फिल्म की कहानी का अंदाजा लतीफ को जानकर ही लगाया जा सकता है आइए जानते हैं कौन था डॉन लतीफ अहमदाबाद के दरियापुर इलाके में रहने वाले अब्दुल लतीफ कालूपुर ओवरब्रिज के पास देसी शराब बेचने की शुरुआत कर क्राइम की दुनिया में कदम रखा था धीरे धीरे उसने अंग्रेजी शराब बेचनी भी शुरू कर दी इससे अच्छी कमाई कर लेने के बाद लतीफ ने शहर के कोक इलाके में रहने वाले बदमाशों को अपनी गैंग में शामिल कर लिया लतीफ ने हथियार सप्लाई करने वाले शरीफ खान से हाथ मिलाया और शराब के साथ साथ हथियारों का भी तस्करी करने लगा कुछ ही सालों में लतीफ गैंगस्टर बन चुका था लेकिन किसी भी गैंगवार में वह खुद सामने नहीं रहा लतीफ ने चालाकी से कई छोटी मोटी गैंग में फूट डलवाई और उनके साथियों को अपने गैंग में मिला लिया इस तरह अहमदाबाद के बाद उसका दबदबा पूरे गुजरात में फैल गया लतीफ ने गुजरात में अवैध शराब बेचने का नेटवर्क तो इस कदर खड़ा कर लिया था कि कोई भी अवैध शराब बेचने वाला बिना उसकी मर्जी से शराब नहीं बेच सकता था उसे शराब लतीफ से ही खरीदनी पड़ती थी शहर के मुस्लिम इलाकों में लतीफ़ गरीबों के लिए मसीहा माना जाने लगा था क्योंकि वह बेरोजगार युवकों को अपनी गैंग में शामिल कर लेता था उसकी वजह से उसे पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिलने लगा बताया जाता है कि उस वक्त अंडरवर्ड दान दाऊद इब्राहिम भी वडोदरा में ड्रग्स का नेटवर्क खड़ा कर चुका था एक बार दाऊद और लतीफ के बीच गैंगवार छिड़ गई लतीफ के गुर्गों ने दाऊद को घेर लिया था और दाऊद को वडोदरा से भागना पड़ा लतीफ गुजरात में चालीस से भी ज्यादा हत्याओं का आरोपी था जबकि उतने ही किडनीपिंग केस भी उस पर थे अब्दुल लतीफ को 1995 में दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था जिसके बाद उसे साबरमती जेल अहमदाबाद जिसके बाद उसे साबरमती जेल अहमदाबाद में रखा गया पर जेल में भी लतीफ का कारोबार चलता रहा गुजरात के पहले और आखिरी अंडर वर्डदान अब्दुल लतीफ शेख की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1986 के अहमदाबाद महानगर पालिका चुनाव में लतीफ एक साथ पांच सीटों पर भारी बहुमत से जीता था और वो भी साबरमती सेंट्रल जेल में बैठे बैठे नवंबर नाइनटीन में अब्दुल लतीफ को गुजरात पुलिस ने एक एनकाउंटर में मार गिराया उस वक्त वह भागने की फिराक में था लतीफ के खत्म होने के साथ ही गुजरात में उसका पूरा नेटवर्क भी खत्म हो गया अब लतीफ की जिंदगी के इन पहलुओं को देखकर क्या कहे क्या ये फिल्म रईस की कहानी है हालांकि फिल्म निर्देशक राहुल ढोलकिया इस बात से साफ इनकार करते रहे हैं कि यह फिल्म लतीफ की जिंदगी पर आधारित है फिल्म रईस एक आदमी जिसका नाम रईस आलम था की जिंदगी पर से प्रेरित होकर बनाई गई है फिल्म 80 और 90 के दशक के गुजरात पर बनी है यह रईस के रिश्तों और तेजी से आगे बढ़ने की कहानी है जिसमें वह खाली हाथ आने के बाद एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेता है उसका अहदा पूरे राज्य में सबसे अधिक ताकतवर आदमी का हो जाता है गैंगस्टर से कुछ कम रईस एक मैनेजर की तरह काम करता है वह लोगों में अपनी पॉट बना लेता है और उसका भरोसा जीत लेता है उसका अपना काम करने का स्टाइल बेजोड़ इच्छा शक्ति और सोने जैसा दिल की बदौलत वह जनता में बेहद लोकप्रिय हो जाता है उसके किरदार की कई परतें हैं उसके कई चेहरे हैं जिनके कारण लोग उससे डरते हैं प्यार करते हैं और पूजते हैं हमेशा वक्त के आगे की सोच रखने वाला रईस अपने रास्ते की रुकावट बनने वाली हर चीज और आदमी को पूरी तरह से साफ कर देता है उसके साम्राज्य की नींव तब हिलती है जब उसके सामने किसी भी तरह के अपराध को सहन न करने वाला पुलिस ऑफिसर आ जाता है इस ऑफिसर की जिंदगी का एक ही मकसद होता है क्राइम का खात्मा आगे जो होता है वह है रईस और ऑफिसर के बीच की जंग जो फिल्म को आगे बढ़ाती है रईस अपराध पर आधारित हिंदी भाषा में बनी एक भारतीय एक्शन थ्रिलर फिल्म है इसका निर्देशन राहुल ढोलकिया ने किया है इसका निर्माण फरहान अख्तर रितेश सिद्वानी और गौरी खान ने किया है इसका निर्माण अप्रैल 2015 में शुरू हुआ इसमें शाहरुख खान माहिरा खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य किरदार में है फिल्म में अभिनेत्री सन्नी लोहन एक विशेष गाने में शाहरुख खान के साथ हैं फिल्म को गुजरात के अपराधी अब्दुल लतीफ पर आधारित बताया जा रहा था पर फिल्म निर्माताओं ने स्पष्ट कर दिया कि फिल्म की कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है जिसका किसी भी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है फिल्म 25 जनवरी 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी फिल्म 1960 के दशक के मध्य से शुरू होती है और उन्नीस में समाप्त होती है जैसा कि फिल्म में एक अखबार की तारीख से रईस गुजरात के फतेहपुर में रहता है एक ऐसा राज्य जहाँ शराबबंदी लागू है और बहुत कम उम्र में कानूनी शराब के धंधे में शामिल हो जाता है शाहिद के साथ वह एक गैंगस्टर जयराज के लिए काम करता है जो पुलिस को रिश्वत देकर अवैध रूप से शराब की तस्करी करता है रईस अपनी माँ के दर्शन से जीता है वह हर व्यवसाय अच्छा है और कोई भी धर्म किसी भी व्यवसाय से बड़ा नहीं है क्योंकि यह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है रईस जयराज के साथ भाग लेने का फैसला करता है और खुद ही काम करना शुरू कर देता है वह मुंबई में मूसा भाई से मिलता है और उसकी मदद से वह अपना बोट लेगिंग व्यवसाय शुरू करता है इसी बीच एक ईमानदार पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर जे ए मजूमदार फतेहपुर में स्थानांतरित हो जाता है ए मजूमदार फतेहपुर में स्थानांतरित होता है और शराब डीलरों पर बड़ी कार्रवाई शुरू करता है फिल्म की शूटिंग अप्रैल 2015 में शुरू हुई फिल्म की शूटिंग मुंबई में की गई और सेट को अहमदाबाद की मारिन बस्तियों को चित्रित करने के लिए फिर से तैयार किया गया फिल्म का आखिरी शेड्यूल जनवरी 2016 में गुजरात में शूट किया गया था विरोध के बावजूद फिल्म को जनवरी और फरवरी 2016 के बीच बिना किसी व्यवधान के भुज में शूट किया गया प्राचीन मस्जिद और मकबरे पर सरखेस रोजा में अहमदाबाद में शूटिंग के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा मंजूरी जारी की गई थी रईस के लिए संगीत राम संपत ने दिया है जावेद अख्तर ने फिल्म के गाने लिखे हैं फिल्म के संगीत अधिकारों का अधिग्रहण जी म्यूजिक कंपनी ने किया है फिल्म का गाना लैला में लैला उन्नीस की फिल्म कुर्बानी से लिया गया है और पुनर्निर्मित किया गया है संपूर्ण एल्बम 24 जनवरी 2017 को रिलीज किया गया था इसमें कुल आठ गाने थे जिन्हें गाया था पावन पांडे अरजीत सिंह हर्षदेव कौर सुखर सिंह भूमि त्रिवेदी कसरन सगाटिया, मीका सिंह, राम मालिक के -के, रोशन राठौड़ श्रेया घोषाल और सोनू निगम ने रईस फिल्म की कहानी ये तो साधारण कही जा सकती है लेकिन फिल्म को शानदार तरीके से पेश किया गया है इस फिल्म का निर्देशन राहुल ढुलकिया ने किया है पूरी फिल्म मनोरंजन एक्शन और रोमांस के रंगों से भरी हुई है यह फिल्म गुजरात में अवैध शराब का कारोबार करने वाले कुख्यात अपराधी अब्दुल लतीफ का फिल्मी संस्करण है जिस पर ग्लैमर का तड़का लगा दिया गया है लतीफ पर नाइनटीन एट्टी टू नाइनटी के दशक में गांधी की धरती पर अवैध शराब के धंधे हत्या अपराहड़ तस्करी के दर्जनों मामले समेत आतंकवादी एन टाडा तक लगा था फिल्म की कहानी गुजरात के फतेहपुर से शुरू होती है जहाँ रईस का बचपन अपनी माँ के साथ गरीबी में गुजर रहा है फिल्म रईस की कहानी नाइनटीन एट्टी के दौर में गुजरात के इर्द गिर्द घूमती है यह फिल्म रईस नाम के एक शख्स के बारे में बताती है जो ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है किंग खान की यह फिल्म रईस की जिंदगी में आते उतार चढ़ाव को दिखाती है फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह से जीरो से शुरू होकर रईस एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेता है रईस अपनी माँ की बात कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता को गांठ बांधकर आगे बढ़ता है और अवैध शराब के कारोबार करने लगता है रईस कामयाबी की सीढ़ियाँ अपने चढ़ता चला जाता है लेकिन उसकी मुश्किल तब बढ़ जाती है जब उसके इलाके में पुलिस ऑफिसर जयदीप मजूमदार जब उसके इलाके में पुलिस ऑफिसर जयदीप मजूमदार आता है जो अवैध शराब कारोबारियों के रईस को अपने इलाके की रहने वाली मोहसना यानी महिरा खान से प्यार है और उसे शादी करो अपना घर भी बसा लेता है फिर धीरे धीरे रईस गुजरात में बड़ा नाम बन जाता है और वहाँ का डॉन बन जाता है रईस अपने इलाक़े का मसीहा भी है और फिर उसके बाद फिल्म की कहानी कई जगहों पर यूटर्न लेती है रईस फिल्म की दो खास बातें हैं एक्टिंग के लिहाज से शाहरुख खान को नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बराबर की टक्कर दी है शाहरुख खान को देखकर ऐसा लगता है जैसे वह किरदार में पूरी तरह से समा गए हों चार ढाल डायलॉग डिलीवरी और हाव भाव पूरी तरह से उसी किरदार का नजर आता है जो उन्होंने पर्दे पर निभाया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अभिनय के मामले में शाहरुख खान को कड़ी टक्कर दी है फिल्म कुछ जगहों पर कमजोर पड़ी भी है तो वह इन दोनों अभिनेताओं ने अपने एक्टिंग से संभाल लिया है और इस कमी को झलकने नहीं दी है पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान की यह बॉलीवुड में पहली फिल्म है एक्टिंग के लिहाज से उनके पास ज़्यादा कुछ करने का स्कोप नहीं बचा था फिर भी उन्होंने अदाकारी अच्छी की है माहिरा के साथ शाहरुख खान का रोमांटिक एंगल भी अच्छा है फिल्म में माहिरा खान बेहद खूबसूरत दिखे हैं शाहरुख खान के साथ उनकी केमिस्ट्री चस्ती है रेस के संवाद आपको ताली और चीटियाँ बजाने को अभिवास कर देंगे स्क्रिप्ट कसी हुई है और सीन्स का फिल्मांकन भी दमदार है बैकग्राउंड स्कोर ने फिल्म में जान डाल दी है संगीत की बात करें तो उड़ी उड़ी जाए जालिमा लैला में लैला जैसे गाने पहले ही हिट हो चुके थे फिल्म के गाने भी इसका एक अहम हिस्सा हो गया है फिल्म की लंबाई थोड़ी ज़्यादा लगती है जिसे एडिटिंग का थोड़ा छोटा किया जा सकता था लेकिन कुल मिलाकर आप शाहरुख खान के फैन हैं और एक मनोरंजक फिल्म देखना चाहते हैं तो आप यह फिल्म देख सकते हैं अक्सर सोचा कि गैंगस्टर अपराधियों और अंडरवर्ल्ड पर बनने वाली फिल्मों में कुछ ऐसी बात तो जरूर है कि क्यों पूरी दुनिया भर के अनेक फिल्म मेकर्स इस शैली की फिल्मों से इतने आकर्षित हैं हालांकि मैं इस शैली की फिल्मों का जबरदस्त प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन साथ ही मुझे यह कहना होगा कि मैंने मुंबई में बनी क्राइम बेस्ड फिल्में दीवार धर्मात्मा परिंदा अग्निपथ सत्या वास्तव गैंगस्टर शूट आउट एट लोखंड वाला वन सपा ने टाइम इन मुंबई का भरपूर आनंद लिया इन फिल्मों में फिल्म इंडस्ट्री के कई सारे बड़े नाम जुड़े थे इन फिल्मों को याद रखने योग्य वैल्यू है मेरे मन में एक अमित छाप छोड़ने के अलावा इन फिल्मों ने समय समय की रेत पर भी एक अमित छाप छोड़ी रईस के बारे में जबरदस्त अटकलें हैं इस फिल्म की कहानी असल जिंदगी से प्रेरित है यह असल जिंदगी के किरदारों पर आधारित है सच कहूँ तो फिल्म में दिखाए गए किरदारों की प्रामाणिकता पर टिप्पणी करने के लिए अटकलों को जांचने के लिए मैं सही शख्स नहीं हूँ लेकिन एक प्रेमी होने के नाते मुझे यह स्वीकार करना होगा कि रईस ने मुझे अपनी दुनिया में पहुंचा दिया अपराधियों के जीवन पर आधारित ज्यादातर फिल्मों की एक सुनिश्चित प्रकथा होती है एक आदमी का जुर्म का रास्ता अपनाना उसका एक नामी ग्रामी अपराधी बन जाना अमीर और प्रभावशाली लोगों में उठना बैठना, लेकिन आखिर में कानून के हाथों सब हिसाब यथार्थवादी तो है निर्देशक राहुल ढुलकिया ने रईस में एक दमदार पावर प्ले और रईस व ईमानदार पुलिस वाले जयदीप के बीच चूहे बिल्ली जैसा पीछा बहुत ही प्रभावशाली ढंग से दर्शाया है मेरी राय से यही इस फिल्म का मुख्य आधार है यह कहने के बाद मैं स्वीकार करता हूँ जो फिल्म को एक ऊंचाई पर लेकर जाता है वो है शहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिन्होंने अपने अपने हिस्से के बेहतरीन किरदार निभाए सन 1980 की दशक की पृष्ठभूमि में रई सिस्टम प्रणाली को हराने की कोशिश करता है और अपनी शर्तों पर सफल भी हो जाता है उद्यमशीलता के लिए उसका प्राकृतिक स्वभाव और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के दौरान कभी हार न मानने वाले दृढ़ संकल्प ने उसे प्यार और डरावना दोनों बना दिया उसे प्यारा और डरावना दोनों बना दिया और फिर होती है अपराध को खत्म करने और रईस के साम्राज्य को खत्म करने की प्रतिज्ञा ली है कि एंट्री बीते हुए युग को एक बार फिर से बनाना वाकई बहुत मुश्किल काम है लेकिन सबसे मुश्किल हिस्सा है वर्तमान के दर्शकों जिन्हें उन किरदारों और युग के बारे में कोई जानकारी नहीं है को शामिल करना प्रोडक्शन के बिना किसी गलती के उस युग को बेहतरीन ढंग से बनाया है ढोलकिया और उनके लेखक की टीम ने इस फिल्म इस बात का पूरा ख्याल रखा कि फिल्म की लिखित सामग्री इतनी शक्तिशाली हो कि दर्शक तल्लीनता से फिल्म का मजा ले परिणाम स्वरूप यह फिल्म न केवल 1980 के दशक की यादें ताजा करती है बल्कि आपको उन बीते दिनों को महसूस भी कराती है और इसलिए इसके किरदारों और एपिसोड जो फिल्म में हाईलाइट किए गए हैं का धन्यवाद ढोलकिया वास्तव में कट्टर व्यवसायिक फिल्म निर्माता होने के लिए नहीं जाने जाते हैं लेकिन जब आप इनके काम करने का तरीका देखते हैं तो आपको खुद ब खुद यह महसूस हो जाता है कि उनका झुकाव वास्तविकता में ज्यादा है बजाय कृतमिकता के लेकिन रईस के बारे में बात करें तो रईस में वास्तविकता और मसाला दोनों ही आश्चर्यजनक रूप से जोड़ा है फिल्म की कहानी बिना जोड़ के सीधे रोमांस से कौन किससे बढ़ के के खेल की ओर रुख कर लेती है जब चोर पुलिस की भिड़ंत होती है ये एक बड़े बजट की फिल्म है और शहरुख और ढुलकिया भली ही जानते हैं कि दाव बड़ा है उन्होंने वास्तविकता को बनाए रखा है और इस बात का ख्याल रखा है कि फिल्म की गति और ऊर्जा कदाचित कम न हो लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने शाहरुख खान के करोड़ों प्रशंसकों को जरा भी निराश नहीं किया है एक कहानी वक्ता के रूप में वह लेप लेते हैं और लिखित सामग्री के साथ पूरा न्याय करते हैं और साथ ही फिल्म के हर किरदार से उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस को निचोड़ने में कामयाब रहते हैं फिल्म का फर्स्ट हाफ आपकी उत्सुकता को खोल कर रख देता है और फिर आप सेकंड हाफ देखने के लिए ललायत हो जाते हैं लेकिन यह समस्या पैदा होती है इंटरमिशन के बाद फिल्म की गति धीमी पड़ जाती है और रोमांटिक गीत और कुछ सीक्वेंस सीन विफल हो जाते हैं शुक्र है फिल्म फिर से अपनी रफ्तार पकड़ती है जब रईस की ज़िंदगी में एक नाटकीय मोड़ लेती है जो कि फिल्म का हाई वोल्टेज क्लाइमैक्स है फिल्म का साउंड ट्रैक अच्छा है हालांकि फिल्म के डांस और गीत में थोड़ी और गुंजाइश हो सकती थी फिल्म के गाने लैला में लैला और जालमा गाना पहले से दर्शकों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे हालांकि लैला में लैला गाना के महत्वपूर्ण मोड़ पर आता है और कहानी को आगे ले जाता है बैकग्राउंड स्कोर प्रभाव उत्पादक है विशेष रूप से सिग्नेचर ट्यून जिसे कथानक में उदारपूर्वक इस्तेमाल किया गया फिल्म की सिनेमाटोग्राफी ने सेल्यू पर स्थानों को बहुत ही शानदार ढंग से कैप्चर किया है एडिटिंग एकदम कसा हुआ है दर्शकों को ध्यान में रखकर डायलॉग बनाए गए जो अपना असर छोड़ते हैं बनिए का दिमाग और मियाँ भाई की डेयरिंग और अम्मी जान कहती थी कि कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता जैसे कई डायलॉग पहले ही दर्शकों के बीच अपनी जगह बना चुके हैं मुझे नवाजुद्दीन के लाइनों पर भी ध्यान आकर्षित करना चाहिए वो लोगों में उत्साह और उमंग भर देते हैं विशेष रूप से फर्स्ट हाफ में एक्शन सीक्वेंस बेहद दमदार हैं रईस में शानदार प्रदर्शन लगातार उल्लेखनीय है शहरुख बढ़िया कलाकार के साथ साथ शो स्टीलर भी हैं फिल्म में उनका गिरे किरदार उनके करियर के प्रारंभ में उनकी पुरस्कार योग्य परफॉर्मेंस की याद दिलाता है नवाजुद्दीन ने अपने सह कलाकार की प्रतिभा से मैच करते हुए अपनी शानदार परफॉर्मेंस देते हैं दोनों शहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का प्रदर्शन आपको फिल्म की कहानी के साथ साथ किरदारों में डुबा देता है माहिरा खान बेहद खूबसूरत लगती हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने किरदार को निभाती हैं मोहम्मद जीशान अयूब की एक ठोस भूमिका में पूरी तरह से डूब जाते हैं और एक बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं अतुल कुलकर्णी अपनी मौजूदगी एक प्रतिबंध प्रदर्शन के साथ महसूस कराते हैं शिबा चड्ढा एक संक्षिप्त भूमिका में जचती हैं नरेंद्र झा जयदीप अहलावत उत्कर्ष मजूमदार प्रमोद पाठक और उदय तिकेकर अपने अपने भागों में परिपूर्ण हैं सनी लियोन लैला में लैला आइटम नंबर में सनसनी फैला देती हैं। कुल मिलाकर रईस पक्के तौर पर एक हिट फिल्म है इसमें कोई शक नहीं है कि शाहरुख खान एक सेंसनल अभिनेता हैं जो प्यार मनोहार और स्टारडम शहरों को उनकी प्रारंभिक फिल्मों में प्राप्त हुआ वही सब कुछ एक बार फिर रेस में ही देखने को मिलेगा इस फिल्म को हिट कराने में कुछ तथ्यों का भारी योगदान है और उनमें शामिल है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जबरदस्त परफॉर्मेंस भीड़ जुटाने के लिए लिखी गई है इसकी विशेष सामग्री और निसंदेह इसका मनोरंजक क्लाइमैक्स फिल्म रईस उन्नीस सौ अस्सी के दशक में गुजरात आधारित एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है यह ऐसे तस्कर की कहानी है जिसके धंधे को एक सख्त पुलिस अधिकारी ने चौपट कर दिया क्लेश और रेड सिलिश एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित यह फिल्म 25 जनवरी 2017 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी कहानी गुजरात के फतेहपुर की है जहाँ फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटे बच्चे रईस आलम से जो गरीबी के कारण शराब तस्करी में आ जाता है स्कूल में उसे ब्लैक बोर्ड पर पढ़ने में दिक्कत होती है पड़ोस का डॉक्टर उसे चश्मा लेने की सलाह देता है चश्मा पहनने के बाद रईस आलम हर किसी को वार्निंग देता है बैटरी नहीं बोलने का शराब तस्करी के लिए पड़े छापे में उसकी अम्मी उसे बचाने जाती है और बोलती है कि कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता बस इसको रईस अपनी ज़िंदगी का मूल मंत्र बना लेता है इसके बाद रईस शराब के बिजनेस में अपने दोस्त सादिक के साथ आ जाता है और शराब तस्कर के बादशाह जयराज सेठ का दाया हाथ बन जाता है और बनिए का दिमाग और मियाँ भाई की डेयरिंग को सब जानते हैं जैसे जैसे समय बीतता है रईस अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है सादिक रईस का बेस्ट फ्रेंड है रईस अपने एम्पायर का बॉस बन जाता है पुलिस नेता हर किसी से उसकी साठ गाट है और उसका काम होता रहता है लेकिन वो साथ ही साथ देसी रॉबिन हुड भी है चाहे उसके पड़ोसी हों मोहल्ले वाले या कोई और वो कभी मदद करने से हिचकिचाता नहीं है कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर जदीब मजुमदार से होती है जिसका ट्रांसफर रईस के इलाके में होता है जदी मजुमदार का एक ही इरादा होता है कि रईस के बिजनेस को मिट्टी में मिला देना है उसे आप कहते सुनेंगे कि रईस का और मेरा रिश्ता बड़ा अजीब है पास रह नहीं सकता और सलाह दूर जाने को नहीं देता पास रह नहीं सकता और दूर जाने नहीं देता पास रह नहीं सकता और सलाह दूर जाने नहीं देता इसके बाद फिल्म चूहे बिल्ली का खेल शुरू होता है इसके बाद फिल्म में चूहे बिल्ली का खेल शुरू होता है शाहरुख खान की फिल्म रईस आपको 70 और 80 के दशक की टिपिकल मसाला फिल्मों की याद दिलाएगी जिसका हीरो बुरा काम तो करता है लेकिन वो गरीबों का मसीहा भी है एक पुलिस वाला है जो गंदी राजनीति के बीच भी अपना काम ईमानदारी से करता है खूबसूरत हीरोइन है और हीरो की परछाई बनकर रहती हैं एक वफ़ादार दोस्त है जो हीरो के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार है साथ ही कुछ बुरे लोग सताई जनता बेबस माँ और खूब सारा एक्शन इसके अलावा हेलन की तर्ज पर सनी लेनी का एक आइटम सॉन्ग भी है जो खून खराबे के बीच सुकून देता है कहानी एट्टी के दशक के गुजरात पर बेस्ड है जहाँ रईस अपनी अम्मी के साथ रहता है घर की माली हालत ख़राब होने की वजह से स्कूल के टाइम से ही रईस का दिमाग धंधे की तरफ आकर्षित होने लगता है और वो स्कूल के बैग में शराब रखकर सप्लाई करने लगता है लेकिन बड़े होने के बाद रईस अपना खुद का धंधा शुरू करता है अपने दिमाग और डेयरिंग की वजह से वो जल्द ही अवैध शराब का बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है लेकिन इसी बीच एसीपी सी पी मजूमदार यानी नवाजुद्दीन सिद्ध की उसके पीछे पड़ जाता है जो काफ़ी कड़क पुलिस वाला है लेकिन रईस का धंधा रोक पाने की हजार कोशिश करने के बावजूद भी मजूमदार उसे पकड़ नहीं पाता इस दौरान कहानी में कई उतार चढ़ाव आते हैं जिनमें चुनाव दंगे बम ब्लास्ट जैसी कई घटनाएं दिखाई जाती हैं फिल्म की एंडिंग भी काफ़ी दिलचस्प है के यूँ मोहनन की सीनेटोग्राफी कमाल की है बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा बनाया गया है जिसकी वजह से एट्टी के दशक का माहौल पूरी फिल्म के दौरान बना रहता है फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है इसके डायलॉग्स जो ऑडियंस को तालियां बजाने पर मजबूर कर देते हैं फिल्म का फर्स्ट हाफ अच्छा है लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म की रफ्तार सुस्त हो जाती है जिसे ठीक किया जा सकता था साथ ही फिल्म के एक दो गाने भी इसकी रफ्तार पर असर डालते हैं सिर्फ सनी लेनी पर फिल्माया गया आइटम सॉन्ग ही कहानी के साथ सिर्फ सनी लेनी पर फिल्माया गया आइटम सॉन्ग ही कहानी के साथ फिट बैठता है फिल्म के सेकंड हाफ को और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था रईस पूरी तरह से शाहरुख खान की फिल्म है उनका काम शानदार है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग भी बेहतरीन है फिल्म में जब भी दोनों साथ नजर आते हैं एडवेंचर बढ़ जाता है जहाँ एक तरफ नवाजुद्दीन की लिख लेने की स्टाइल है वहीं दूसरी तरफ शाहरुख खान के डायलॉग बोलने का अंदाज़ कमाल का है मोहम्मद जीशान अयूब अतुल कुलकरी और बाकी एक्टर्स का काम भी अच्छा है पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान के लिए करने को ज़्यादा कुछ नहीं था एक दो गाने और चुनिंदा रोमांटिक सीन में भी वो अपना असर छोड़ नहीं पाती सेकंड हाफ़ में उनका रोल थोड़ा उभर कर आता है लेकिन वो भी कुछ देर के लिए फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है लेकिन सॉन्ग में सिर्फ लैला में लेला ही कहानी के साथ फिट बैठता है यूँ तो फिल्म को लेकर शुरू से कोई ना कोई विवाद रहा है लेकिन फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स हैं जिन पर विवाद हो सकता था फिर चाहे वो बोचड़ खाने में जानवरों को काटने का सीन हो या फिर गांधी की मूर्ति से चश्मा उतारने का सीन कुल मिलाकर ये फिल्म एक नए पैकेट में पुराने माल की तरह है और अगर आप शहरुख खान और नाजुद्दीन सिद्दीकी के फैन हैं तो आप एक बार ये फिल्म जरूर देखें लंबे अरसे से रिलीज को तरस रही शहरुख खान की फिल्म रईस सत्तर और अस्सी के दशक की टिपिकल मसाला फिल्मों की याद दिलाती है इस फिल्म का हीरो गैरकानूनी काम तो करता है लेकिन वो गरीबों का मसीहा भी है इस हीरो के साथ है एक खूबसूरत हीरोइन जो हीरो की परछाई की तरह है हीरो का एक जिगरी दोस्त जो उसके लिए अपनी जान भी दे सकता है फिर एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर जो अपने काम को पूरी ईमानदारी से पूरा करता है इन सबसे बेबस माँ अत्याचार की मारी जनता कुछ बुरे लोग और खूब सारा एक्शन इतने मसाले के बाद एक जबरदस्त आइटम नंबर जो हैलिन की याद दिलाता और खून खराबे के बीच राहत देता है फिल्म की कहानी अस्सी के दशक के गुजरात पर आधारित है जहाँ रईस अपनी अम्मी के साथ रहता है घर की माली हालत बहुत ख़राब रहती है जिससे रईस का दिमाग शुरू से ही धंधे की तरफ रहता है रईस बचपन से ही स्कूल बैग में शराब रखकर सप्लाई करने लगता है लेकिन बड़े होने के बाद वो खुद का धंधा शुरू करता है अपने दिमाग और निडरता से अवैध शराब कारोबारी में बड़ा नाम बन जाता है सब कुछ ठीक चल रहा होता है तभी एक ए मजूमदार रईस के पीछे पड़ जाता है मजूमदार एक कड़क पुलिस ऑफिसर है जो शराब के अवैध कारोबार को रोकने की कई कोशिशें करता है तमाम कोशिशों के बावजूद भी रईस उसकी पकड़ से आजाद ही रहता है कई उतार चढ़ाव से गुजरते हुए इस कहानी का अंत काफ़ी दिलचस्प होता है फिल्म का निर्देशन उमदा है फर्स्ट आप काफी कसा हुआ है लेकिन सेकेंड हाफ में फिल्म आपको अजीब से रॉबिन हुड जोन में लेकर जाती है यहाँ अचानक से एंटी हीरो के ख्याल बदलने लगते हैं और वो मसीहा बनने लगता है सरपट भागती फिल्म लेने लगती है खैरियत बात करें सिनेमाटोग्राफी की तो के यू मोहनन का काम कमाल का रहा है फिल्म आपको अस्सी के दशक में ही लेकर जाती है वही इस फिल्म के वन लाइनर भी जबरदस्त हैं वन लाइनर्स पर फिल्म को दर्शकों की खूब तालियां भी मिलती हैं जब सनी लेनी अपने आइटम नंबर लैला में लैला लेकर आती हैं तो दर्शक झूम उठते हैं वही कुछ गाने फिल्म की रफ्तार बेजा ही सुस्त कर देते हैं फिल्म रईस को पूरी तरह शाहरुख खान की फिल्म कहने में दो राय नहीं है उनका प्रदर्शन भी बेहतरीन है गुस्से और फुर्तीलास गुस्से और फुर्ती से भरे सहरुख इस बार अपनी बाहें फैलाते नहीं बल्कि दूसरों को तोड़ते नज़र आ रहे हैं वही नवाजुद्दीन ने ही शानदार अदाकारी की है फिल्म में जब जब दोनों कलाकार एक फ्रेम में नज़र आए रोमांच चरम पर पहुंचा मोहम्मद जिसान अयूब अतुल कुलकर्णी के साथ बाकी कलाकारों ने भी अच्छा काम किया है हालांकि पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा महज एक सौ पीस ही लगी हैं फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर बढ़िया है लेकिन बाकी गानों में सिर्फ लैला में लैला ही कहानी के हिसाब से अच्छा लग रहा है जैसे ही रईस फिल्म खत्म होती है मन में सवाल आता है कि इस फिल्म की ज़रूरत क्या है क्यों बनाई गई है निर्माता निर्देशक सितारे आखिर कहना क्या चाहते हैं हिंदी सिनेमा में सैकड़ों फिल्में हैं जिनमें घोर गरीबी में पला बड़ा बच्चा बड़ा होकर गैंगस्टर नुमा अपराधी बनता है और कोई जिद्दी पुलिस वाला उनके पीछे लगा होता है पुलिस वालों को छकाते हुए फिल्म में छाए रहने वाले हीरो की मौत अंत में पुलिस वाले की गोली से होती है रेस की कहानी इससे ज्यादा नहीं है नया क्या है ना बनिया का दिमाग दिखता है और ना मियाँ भाई की डेरिंग शाहरुख खान चले हुए कारतूस नजर आते हैं और राहुल ढुलकिया अध्यय सितारे के मध में निशानची कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता इसलिए धन से फिल्म के लिए तारीफें और अवार्ड खरीदे जा सकते हैं हिट का तिलस्मा रचा जा सकता है रईस को काल्पनिक कहानी मानना आधा सच है या गुजरात में अवैध शराब का कारोबार करने वाले कुख्यात अपराधी अब्दुल लतीफ का फिल्मी संस्करण है जिस पर ग्लैमर का वर्क चढ़ा है लतीब पर नाइनटीन एटी टू नाइन्टी के दशक में गांधी की धरती पर अवैध शराब के धंधे हत्या अपहरण तस्करी के दर्जनों मामले समेत आतंकवादी तथा विघटनकारी क्रियाकलाप अधिनियम यानी डाटा तक लगा था मुंबई बम धमाकों में उसका नाम सीधे नहीं आया मगर वह आतंकी दाऊद इब्राहिम से कनेक्ट और कराची में उसका मेहमान था लतीफ पुलिस की गिरफ्त से फरार होने की कोशिश करते हुए मारा गया रईस की कहानी में लतीफ और उससे जुड़े आपराधिक राजनीतिक सूत्रों के ताने बाने हैं यहाँ रईस को रॉबिन हुड अंदाज से रंगते हुए गरीबों का मसीहा दिखाने की कोशिश है गौर से देखो तो टिकट खिड़की पर लगातार पिट रहे शाहरुख खान यहाँ सलमान खान के फिल्मों में यहाँ सलमान खान के फिल्मों में चैरिटी करने के फार्मूले से सहानुभूत बटोरने की लचर कोशिश में थे कई हिस्सों में रईस एंग्री यंगमैन अमिताभ बच्चन की एंट्री हीरो फिल्मों की खराब फोटो कापी जैसी है शाहरुख ना गुस्से और एक्शन में जमते हैं ना रोमांस करते हुए पुलिस बने नवाजुद्दीन सिद्दीकी पूरी फिल्म में उन पर हावी हैं नवाज़ फिल्म को ना संभालते तो यह भरभरा कर गिर ही पड़ती माहिरा खान सुंदर हैं परंतु उनकी भूमिका बेहद कमजोर है गीत संगीत औसत है बैकग्राउंड म्यूजिक जरूर 1980 के दशक की, की यादें ताज़ा करता है सनी लियोनी का आइटम डांस लैला जिस मोड़ पर आता है वहाँ रईस की परिस्थितियाँ इतनी तनाव भरी हैं कि यह असर नहीं छोड़ पाता अगर आप इतने रईस हैं कि ऐसी बासी निरर्थक फिल्म पर अगर आप इतने रईस हैं कि ऐसी बासी निरर्थक फिल्म पर नोट उड़ा सकते हैं तो इसे देखें उस साल दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई थी शाहरुख खान की रईस और ऋतिक रोशन की काबिल एक ही दिन दो बड़ी फिल्में रिलीज होने से दोनों अभिनेता परेशान थे कि कहीं एक फिल्म की वजह से दूसरे के कारोबार को नुकसान न पहुंचे ऐसे में सारा दौरमदार फिल्म की कहानी और उसके कंटेंट पर था साल की शुरुआत में बॉलीवुड के दो दिग्गजों की फिल्म एक ही दिन रिलीज होने से दर्शकों के सामने बड़ी उलझन थी अरे इस फिल्म की कहानी सबसे बड़ी खासियत है कि यह शाहरुख खान की पहली पूरी एक्शन फिल्म है शाहरुख खान के अभिनय की तारीफ करनी पड़ेगी गैंगस्टर की भूमिका को उन्होंने इतनी बाखूबी से निभाया है अभिनय के मामले में नौजुद्दिन सिद्दीकी भी इस फिल्म में बराबर खड़े दिखते हैं फिल्म में एक्शन भरपूर है कई जगहों पर फिल्म काफ़ी रियलिस्टिक लगती है फिल्म में अस्सी के दशक के गुजरात का शानदार खाका खींचा गया है फिल्म के निर्देशक राहुल ढलकिया का निर्देशन अच्छा है और फिल्म का स्क्रीन प्ले काफ़ी कसा हुआ है जैसा कि हर फिल्म में होता है कुछ अच्छे पॉइंट्स के साथ कुछ कमजोर पॉइंट्स भी होते हैं जो इस प्रकार है फिल्म की कहानी में कुछ भी नया नहीं लगता है इस तरह की गंगेस्टर फिल्में पहले भी कई बार बन चुकी हैं इस फिल्म में आपको अमिताभ की अग्निपथ अजय देवगन की ए टाइम इन मुंबई जैसी फिल्मों की झलक नजर आती है लगता है कि उन्हीं को मिला कर एक फिल्म बना दी गई है पौने तीन घंटे लंबी फिल्म बोझिल लगती है आइटम सॉन्ग और रोमांटिक गाने ठूसे हुए लगते हैं फिल्म का क्लाइमैक्स आपको चौंका सकता है के फैंस को हो सकता है क्लाइमैक्स हजम ना हो बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के अभिनय से सजी फिल्म रईस 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो चुकी थी दर्शक लंबे वक्त से फिल्म के प्रदर्शन का इंतजार कर रहे थे इसके ट्रेलर और गानों को काफ़ी पसंद किया गया था शाहरुख खान ने इसके प्रमोशन में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी चाहे सलमान खान शो बिग बॉस में जाना हो या मुंबई से दिल्ली तक ट्रेन में सफ़र करना हो किंग खान अपनी इस फिल्म के प्रचार में जुटे हुए थे हालांकि फैंस के लिए शाहरुख खान की फिल्म का रिलीज होना अपने आप में एक बड़ी बात थी यह कहानी गुजरात में रहने वाले एक छोटे बच्चे रईस आलम की है जो गरीबी के कारण शराब तस्करी के धंधे में पड़ जाता है उसका सपना है कि एक दिन वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा पढ़ाई के साथ साथ वह शराब बेचने का भी काम करता है उसकी माँ ने हमेशा उसे सिखाया है कि कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता बस माँ की इस बात को ध्यान में रखकर शराब की तस्करी करते हुए वह बच्चा एक बड़ा हो जाता है देखते ही देखते वह गुजरात का एक बड़ा शराब माफिया बन जाता है रईस का बेस्ट फ्रेंड सादिक जो हमेशा उसके साथ रहता है इसके बाद फिल्म में एंट्री होती है इंस्पेक्टर जयदीप मजूमदार की जिसका एक ही मकसद है रईस के धंधे को रोकना फिल्म के संवाद काफी बेहतरीन है फिल्म में शाहरुख खान एक अलग ही अंदाज में नजर आए थे वह बेहतरीन डायलॉगबाजी करते हुए भी दिखाई दे रहे थे एक बार फिर वह इस फिल्म में दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब हुए थे वहीं दूसरी तरफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी पुलिस अधिकारी के किरदार को बाखूबी पर्दे पर उतारा था अभिनय से लेकर उन्होंने संवादों को शानदार ढंग से पर्दे पर पेश किया था पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान की बात करें तो बेहद खूबसूरत नज़र आ रही थी लेकिन वह कुछ ही सीन में नजर आई हैं मोहम्मद जिसान अयूब रांझाड़ा और तनु बेट्स मनु रिटर्न के बाद एक बार फिर इस फिल्म में जबरदस्त रोल में दिखे थे राहुल ढुलकिया ने रईश को 90 के दशक को दिखाने की पूरी मेहनत की है इस फिल्म को देखते हुए कई जगहों पर आपको पुराने दौर की फिल्में याद आ जाएंगी जिसमें हर कोई हीरो के सामने आकर कमज़ोर हो जाता है वही हीरो का अपनी मां की ओर बेनतहा प्यार दिखाया गया है फिल्म में शाहरुख खान का होना उनके फैंस के लिए देखना यही सबसे बड़ा कारण साबित होता है वही इसमें आपको बेहतरीन डायलॉग बाजी एक्शन रोमांस और ड्रामा एक साथ देखने को मिलेंगे फिल्म के गाने पहले ही हिट हो चुके थे सनी लेनी का लैला अंदाज आपको दीवाना बना देगा मूवी की कहानी को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि यह मूवी अस्सी और नब्बे के दशक में गुजरात के अवैध शराब का धंधा करने वाले गैंगस्टर अब्दुल लतीफ पर आधारित है लतीफ का गुजरात में अवैध शराब का बड़ा साम्राज्य था अब्दुल लतीफ अहमदाबाद की गरीब बस्ती में पला बढ़ा था उसे जल्द ही समझ आ गया था कि बिना पैसे और पावर से अच्छी ज़िंदगी को नहीं जिया जा सकता लतीफ के पिता तम्बाकू बेचते थे उसने अपने घर वालों की मदद के लिए छोटी ही उम्र में जुआ घरों में काम करना शुरू कर दिया लतीफ के सात भाई बहन थे अब्दुल लतीफ अपराध जगत में पहली बार उस वक्त रूबरू हुए जब उसकी मुलाकात मंजूर अली से हुई मंजूर अली एक जुआ घर चलाता था मंजूर ने जब लतीफ़ के एक अवैध शराब के धंधे वाली जगह पर काम करते देखा तो उसे अपने बिजनेस की बागडोर संभाला लतीफ़ जल्द ही अवैध शराब के धंधे में नियम सीखता गया और उसने कुछ ही सालों में अपनी ही एक गैंग खड़ी कर ली अवैध शराब के धंधे के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स रिलेटर्स रिटेलर्स सप्लायर्स एक्साइज विभाग और पुलिस से संपर्क बना लिए इसके बाद उसका धंधा चल निकला इसी तरह उसके राजनीति में भी अच्छे संपर्क बन गए इसके साथ ही उसने राज्य में अवैध शराब के धंधे का एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया इस दौरान लतीफ एक राजनीतिक पार्टी के मुख्य निशान बन गए इस दौरान लतीफ एक राजनीतिक पार्टी के मुख्य निशाना बन गए लतीफ पूरे गुजरात में एकाधिकार चाहते थे इसलिए उसने अपने प्रतिद्वंदी गुटों को ख़त्म कर दिया ऐसे में यह एक राजनीतिक मुद्दा बन गया 1990 में भाजपा ने इसका फायदा विधानसभा चुनाव में उठाने की कोशिश की लेकिन लतीफ जनता दल के नेतृत्व के नजदीक थे जनता पार्टी भाजपा की सहयोगी पार्टी थी ऐसे में यह सुलझा लिया गया हालांकि जब 1995 में भाजपा ने अकेले लड़ने का फैसला किया तो लतीफ को फिर टारगेट बनाया गया इसमें पार्टी को इसका अच्छा फायदा भी हुआ अंडोवर्ड दान दाऊद इब्राहिम से नज़दीकियों की वजह से उसके अवैध शराब के कारोबार में गिरावट आई थी उस पर 1992 के मुंबई ब्लास्ट में हथियार सप्लाई करने का भी शक था हालांकि उसका नाम दंगे के 198 आरोपियों में भी शामिल नहीं किया गया उसने एक बार पूछताछ के दौरान यह भी स्वीकार किया कि जब वह पंद्रह महीने कराची में रहा तो नियमित दाऊद इब्राहिम से मिलता था हालाँकि उसकी मुलाकात बिजनेस के सिलसिले में होती थी गुजरात में जब लतीफ का अवैध शराब का कारोबार चलता था तो उस पर सत्तानवे केस दर्ज थे जिसमें पंद्रह केस हत्या के शामिल थे उसे 10 अक्टूबर 1995 को एटीएस ने दिल्ली के जामा मस्जिद से गिरफ्तार किया था एटीएस ने उसे दो महीने तक जोड़ा था इसके बाद वह ए के हत्थे चढ़ा दो साल बाद अब्दुल लतीफ को उस वक्त इनकाउंटर में मार गिराया गया जब वह बचकर भागने की कोशिश कर रहा था उसकी गिरफ्तारी और इनकाउंटर भाजपा के पक्ष में हुई थी शाहरुख खान की मूवी रेस के निर्माताओं का कहना है कि अब्दुल लतीफ की कहानी से कुछ पहलू जरूर लिए गए हैं लेकिन मूवी की कहानी का उनसे कोई लेना देना नहीं है रईस बॉक्स ऑफिस पर वह सफलता नहीं प्राप्त कर सकी थी जिसकी इसकी उम्मीद की जा रही थी फिल्म बेहतरीन थी कमी थी तो सिर्फ सॉलिड एक्शन की यदुवा भी स्तर का होता तो निश्चित रूप से फिल्म ने 300 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया होता खैर आज इस फिल्म को दोबारा से देखने का मौका मिला फिल्म देखते समय ऐसा महसूस हुआ कि अभी हाल ही में हमने इसी तरह के कथानक पर एक आधारित ब्लॉकबस्टर फिल्म देखी है रईस को देखते हुए लगा कि यह तो पुष्पा दराइज की कहानी है एक दलित व्यक्ति की लत्ता से धन की कहानी जो खुद को अवैध व्यापार व्यवसाय में पाता है अपने भरोसेमंद दोस्त के साथ और कानून के साथ संघर्ष करता है क्या हम अल्लू अर्जुन की पुष्पा दराइज या शाहरुख खान की रईस के बारे में बात कर रहे हैं सुपरहिट फिल्म शाहरुख खान के सभी प्रशंसकों के लिए एक ट्रीट थी पशपाती लगाने के जोखिम पर वह कभी इतने अच्छे नहीं दिखे फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऋतिक रोशन की काबिल के साथ और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट से पता चलता है कि इस काबिल से कम कमाई की रईस आज भी एक प्रशंसक पसंदीदा है रईस के बाद हमने शाहरुख खान को जब हैरी मेडसोजल और जीरो में देखा किंग खान के प्रशंसक उस फिल्म को भूल नहीं पाएंगे इसलिए हम शाहरुख खान की अगली पठान के प्रत्याशा में रईस को फिर से देख रहे हैं अब हमारी तरह शाहरुख खान के कई अन्य प्रशंसक भी फिल्म को फिर से रहे हैं और क्या लगता है उन्हें भी हमारी तरह रईस और नई राष्ट्रीय गरीबी और अन्य चुनौतियों से लड़ते हुए जो उनके रास्ते में आ सकते हैं और अंत में विजयी होकर उभरना कुछ ऐसा है जिसे हम सिनेमाई पर्दे पर देखना पसंद करते हैं बेशक रईस और पुष्पा दोनों हमें वह देते हैं कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है हम देखते हैं कि पुष्पा राज और रईस आलम दोनों अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट और कड़ी मेहनत करते हैं उनकी चित्र बुद्धि ही उनका एकमात्र हथियार है और पैसा कमाना ही उनका एकमात्र उद्देश्य है आखिरकार हम देखते हैं कि दोनों अपने अपने सिडिकेट के नेता बनते हुए अपने खेल के शीर्ष पर पहुंच जाते हैं दोनों अवैध व्यापार में शामिल हैं जो उन्हें नायक विरोधी छाया भी देता है और यह कुछ ऐसा है जिसे हम हमेशा प्यार करते हैं खासकर जब शाहरुख खान की बात आती है शाहरुख खान की फिल्म रईस अब्दुल लतीफ़ की ज़िंदगी पर आधारित बताई जा रही है आइए जानते हैं अब्दुल लतीफ के बारे में कुछ बातें जो शायद आपको नहीं पता होंगी 1951 में जन्मे अब्दुल लतीफ ने शुरुआती दौर में गुजरात के अहमदाबाद में एक जुए और शराब के ठेके पर तीस रुपये महीने की नौकरी से की थी उस समय गुजरात में शराबबंदी लागू थी इसी के चलते लतीफ को तस्करी के धंधे में पैसा दिखने लगा और वो इस कारोबार में घुस गया एक पुलिस ऑफिसर ने बताया कि उन दिनों लतीफ़ पागलों की तरह पैसे छाप रहा था वह स्थानीय पुलिस वालों को हफ्ता और महंगे गिफ्ट देता था कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक उसमें गिफ्ट लेने वालों में थे पुलिस वालों को सबक सिखाने के लिए लतीफ ने नेताओं से संपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया उसने राजनीतिक दलों को चंदा देने शुरू कर दिया नाइनटीन के दशक में अहमदाबाद में कई बार दंगे हुए लतीफ ने उस समय दंगा पीड़ितों की बड़ी मदद की गरीबों और पीड़ितों की मदद करके लतीफ ने अहमदाबाद में राविन हुड जैसी छवि बना ली शराब माफिया और गैंगस्टर अब्दुल लतीफ ने 1986 एटी टू में अहमदाबाद नगरपालिका चुनाव में पाँच सीटों पर एक साथ जीत हासिल की थी गुजरात में हुई कई हत्याओं में लतीफ का नाम सामने आया जिसके बाद लतीफ नाइनटीन में दुबई के रास्ते पाकिस्तान भाग गया था नाइनटीन में गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने लतीफ़ को पुरानी दिल्ली के एक पीसीओ सी से गिरफ्तार किया लतीफ करीब दो साल तक साबरमती जेल में रहा पुलिस के अनुसार नवंबर 1997 में लतीफ ने भागने की कोशिश की और पुलिस मुठभेड़ में मारा गया शहरुख खान एक बातचीत में अपनी फिल्म अपने किरदार और नोटबंदी के बारे में बात करते हुए शहरुख खान ने कहा था फिल्म रईस में मेरे किरदार की कहानी सात साल से सैंतालीस साल तक की है फिल्म में मेरे लुक को बढ़ती उम्र के साथ बदलता हुआ दिखाया जाएगा फिल्म के पोस्टर में जो दाढ़ी वाला लुक है वह मेरी इम्तियाज़ अली की फिल्म के लिए भी काम आ गया क्योंकि इम्तियाज को भी मेरी दाढ़ी वाला लुक ही चाहिए था क्योंकि उनकी फिल्म का कैरेक्टर पंजाबी है तो थोड़ी पंजाबी वाली दाढ़ी के साथ इम्तियाज की फिल्म में नजर आऊँगा शाहरुख खान रईस में अपने नेगेटिव रोल को ही अपनी ही फिल्म डॉन के किरदार से तुलना करते हुए बताते हैं दोनों ही नेगेटिव किरदारों में फ़र्क है डॉन जो भी करता है सब स्टाइलिश सेक्सी और कूल लगता है और आप उसके लिए यही सोचेंगे कि डॉन को कभी मारा ना जाए रईस का किरदार अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना जानता है और गलती करने की इसकी कोई लिमिट नहीं है वो अपने धंधे से बड़ा किसी मजहब को नहीं मानता खबरें थी कि रईस का किरदार गुजरात के गैंगस्टर और शराब माफिया अब्दुल लतीफ की जिंदगी पर आधारित है शहरुख कहते हैं यह बात बिल्कुल गलत है रईस की कहानी बिल्कुल काल्पनिक कहानी है जो नब्बे के दशक पर बेस्ड है मुझे लगता है कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि हमारे लेखक निर्देशक और फिल्म की पृष्ठभूमि गुजरात की है हमें इसके लिए एक नोटिस भी आया था लेकिन इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है यह फिल्म किसी भी जिंदा या मर्ज के इंसान की कहानी नहीं है मैंने उसके ऊपर बनी एक गुजराती फिल्म देखी है हम वही फिल्म फिर से क्यों बनाएंगे रेस में सनी लेवनी पर सुपरहिट गाना लैला में लैला फिल्माया है इस पर शहरुख कहते हैं कि सनी का गाना कोई आइटम नंबर नहीं है जब फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा कि सनी का पार्ट फिल्म के लिए कितना ज़रूरी है फिल्म नब्बे के दशक की है तो हमने सोचा कि उस समय अगर कोई बार में जाता था तो कौन सा गाना बजता रहा होगा हमें लगा कि उस समय का सबसे हिट गाना तो यही था बस हमने इस गाने के अधिकार ले लिए वही नोटबंदी पर शहरुख कहते हैं अब तो आमिर खान की फिल्म दंगल ने अपने बिजनेस से साबित कर दिया है कि नोटबंदी का कोई असर मनोरंजन में नहीं हो रहा है मेरी फिल्म डियर जिंदगी भी आई थी और हमने जितना सोचा था उतना बिजनेस फिल्म ने किया नोटबंदी से आने वाला समय भ्रष्टाचार और काले धन से मुक्त होगा तो थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है तीन दशक पुरानी कहानी देखने के बाद आपके पास कहने सुनने को कुछ नहीं बचता सत्तर के दशक की कहानी लेकर आई फिल्म रईस एक गुजराती स्मगलर के इर्द गिर्द घूमती है रईस भाई जिन्हें पूरा गुजरात हुड मानता है लेकिन पुलिस की नज़र में रईस एक अपराधी है पूरी फिल्म में आपको बस चोर पुलिस का खेल दिखाई देगा और अंत वही पुराने ज़माने के स्टाइल में हुआ रईस के स्टंट देखकर आपको इंडियाज गॉ टैलेंट के प्रतिभागी याद आएंगे जो अपने मूव से दर्शकों से ताली बजवाते हैं एक्टिंग की बात करें तो शाहरुख ने अपने स्टाइल से अलग हटकर वास्तव के संजय दत्त की नकल उतारी है बस फर्क इतना है कि वास्तव में संजय दत्त पचास तोला की चैन पहनते थे जबकि रईस गोल्ड का चश्मा लगाते हैं जबकि रईस गोल्ड का चश्मा लगाते हैं अब समझ नहीं आता है पहले से तय था कि शूटिंग के दौरान शाहरुख खान के अंदर कुछ ज़्यादा ही समा गए और यह सब देखकर रोमांच कम हंसी ज़्यादा आती है नवाजुद्दीन की बात करें तो उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है सही बात कहे तो नवाज़ के दम पर फिल्म में कुछ चान आती है माहिरा को बस जगह भरने के लिए रखा गया है उनकी ज़्यादा जरूरत नहीं थी फिल्म देखने क्यों गए इसकी कोई ठोस वजह नहीं मिलती फिल्म में ना तो कोई मोटिव है और ना ही कोई मोटिवेशनल वही मनोरंजन की बात करें तो यह कहानी निम्न दर्जे की है और रही बात गानों की तो यह बेवजह और बेवकत दिखाई पड़ते हैं सही मायनों में देखा जाए तो गानों को वहाँ रखना चाहिए जहाँ फिल्म की कहानी नीचे गिरती दिखती है फिल्म के अंत में जो मैसेज आता है वह भी बेतुका लगता है आप सोशल वर्क करते हैं तो अपराध करना जायज़ है यह बात समझ नहीं आती इधर दर्शक शाहरुख खान की फिल्म रईस का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उधर खबर आ रही थी कि रईस अब मुश्किल में फंस सकती है यह फिल्म गुजरात के गैंगस्टर रहे अब्दुल लतीफ के जीवन पर आधारित बताई जा रही थी लतीफ के बेटे अहमदाबाद की एक कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी जिसमें पिता का नाम खराब करने का आरोप लगाते हुए 101 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा भी ठोका था मुश्ताक ने शहरुख खान पर इस फिल्म के जरिए अपने पिता का नाम खराब करने का आरोप लगाया था साथ ही फिल्म की रिलीज और प्रमोशनल मटेरियल के जारी होने पर भी रोक की मांग की थी उनका दावा था कि फिल्म के दूसरे हिस्से में लतीफ को गलत तरीके से पेश किया गया है मुश्ताक का कहना था कि लतीफ को गुजरे कई साल हो चुके हैं आज उनका परिवार एक अच्छी और इज्जतदार जिंदगी जी रहा है ऐसे में एक बार फिर जब उन लोगों का नाम लतीफ के नाम के साथ जोड़ा जा रहा था तो उससे उनकी परेशानियां और बढ़ रही थी मुश्ताक का कहना था कि फ़िल्म की स्क्रिप्ट लिखे जाते वक्त कुछ लोग उनकी फैमिली से मिलने आए थे प्रोड्यूसर इस बात का प्रचार भी कर रहे थे कि फ़िल्म लतीफ़ की ज़िंदगी पर आधारित है अगर यह सच है तो इस फिल्म की कहानी का अंदाजा लतीफ को जानकर ही लगाया जा सकता है आइए जानते हैं कौन था डॉन लतीफ अहमदाबाद के दरियापुर इलाके में रहने वाले अब्दुल लतीफ कालूपुर ओवरब्रिज के पास देसी शराब बेचने की शुरुआत कर क्राइम की दुनिया में कदम रखा था धीरे धीरे उसने अंग्रेजी शराब बेचनी भी शुरू कर दी इससे अच्छी कमाई कर लेने के बाद लतीफ ने शहर के कोक इलाके में रहने वाले बदमाशों को अपनी गैंग में शामिल कर लिया लतीफ ने हथियार सप्लाई करने वाले शरीफ खान से हाथ मिलाया और शराब के साथ साथ हथियारों का भी तस्करी करने लगा कुछ ही सालों में लतीफ गैंगस्टर बन चुका था लेकिन किसी भी गैंगवार में वह खुद सामने नहीं रहा लतीफ ने चालाकी से कई छोटी मोटी गैंग में फूट डलवाई और उनके साथियों को अपनी गैंग में मिला लिया इस तरह अहमदाबाद के बाद उसका दबदबा पूरे गुजरात में फैल गया लतीफ ने गुजरात में अवैध शराब बेचने का नेटवर्क तो इस कदर खड़ा कर लिया था कि कोई भी अवैध शराब बेचने वाला बिना उसकी मर्जी से शराब नहीं बेच सकता था उसे शराब लतीफ से ही खरीदनी पड़ती थी शहर के मुस्लिम इलाकों में लतीफ गरीबों के लिए मसीहा माना जाने लगा था क्योंकि वह बेरोजगार युवकों को अपनी गैंग में शामिल कर लेता था उसकी वजह से उसे पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिलने लगा बताया जाता है कि उस वक्त अंडरवर्ड दान दाऊद इब्राहिम भी वडोदरा में ड्रग्स का नेटवर्क खड़ा कर चुका था एक बार दाऊद और लतीफ के बीच गैंगवार छिड़ गई लतीफ के गुर्गों ने दाऊद को घेर लिया था और दाऊद को वडोदरा से भागना पड़ा लतीफ गुजरात में 40 से भी ज़्यादा हत्याओं का आरोपी था जबकि उतने ही किडनैपिंग केस भी उस पर थे अब्दुल लतीफ को 1995 में दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था जिसके बाद उसे साबरमती जेल अहमदाबाद जिसके बाद उसे साबरमती जेल अहमदाबाद में रखा गया पर जेल में भी लतीफ का कारोबार चलता रहा गुजरात के पहले और आखिरी अंडर वर्डदान अब्दुल लतीफ शेख की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1986 के अहमदाबाद महानगर पालिका चुनाव में लतीफ एक साथ पांच सीटों पर भारी बहुमत से जीता था और वो भी साबरमती सेंट्रल जेल में बैठे बैठे नवंबर नाइनटीन में अब्दुल लतीफ को गुजरात पुलिस ने एक एनकाउंटर में मार गिराया उस वक्त वह भागने की फिराक में था लतीफ के खत्म होने के साथ ही गुजरात में उसका पूरा नेटवर्क भी खत्म हो गया अब लतीफ की जिंदगी के इन पहलुओं को देखकर क्या कहे क्या ये फिल्म रईस की कहानी है हालांकि फिल्म निर्देशक राहुल ढोलकिया इस बात से साफ इनकार करते रहे हैं कि यह फिल्म लतीफ की जिंदगी पर आधारित है फिल्म रईस एक आदमी जिसका नाम रईस आलम था की जिंदगी पर से प्रेरित होकर बनाई गई है फिल्म 80 और नब्बे के दशक के गुजरात पर बनी है यह रईस के रिश्तों और तेजी से आगे बढ़ने की कहानी है जिसमें वह खाली हाथ आने के बाद एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेता है उसका अहदा पूरे राज्य में सबसे अधिक ताकतवर आदमी का हो जाता है गैंगस्टर से कुछ कम रईस एक मैनेजर की तरह काम करता है वह लोगों में अपनी पॉट बना लेता है और उसका भरोसा जीत लेता है उसका अपना काम करने का स्टाइल बेजोड़ इच्छा शक्ति और सोने जैसा दिल की बदौलत वह जनता में बेहद लोकप्रिय हो जाता है उसके किरदार की कई परतें हैं उसके कई चेहरे हैं जिनके कारण लोग उससे डरते हैं प्यार करते हैं और पूजते हैं हमेशा वक्त के आगे की सोच रखने वाला रईस अपने रास्ते की रुकावट बनने वाली हर चीज और आदमी को पूरी तरह से साफ कर देता है उसके साम्राज्य की नींव तब हिलती है जब उसके सामने किसी भी तरह के अपराध को सहन न करने वाला पुलिस ऑफिसर आ जाता है इस ऑफिसर की जिंदगी का एक ही मकसद होता है क्राइम का खात्मा आगे जो होता है वह है रईस और ऑफिसर के बीच की जंग जो फिल्म को आगे बढ़ाती है रईस अपराध पर आधारित हिंदी भाषा में बनी एक भारतीय एक्शन थ्रिलर फिल्म है इसका निर्देशन राहुल ढोलकिया ने किया है इसका निर्माण फरहान अख्तर रितेश सिद्वानी और गौरी खान ने किया है इसका निर्माण अप्रैल 2015 में शुरू हुआ इसमें शाहरुख खान माहिरा खान और नवाजुद्दीन सिद्ध मुख्य किरदार में है फिल्म में अभिनेत्री सन्नी लोयन एक विशेष गाने में शाहरुख खान के साथ हैं फिल्म को गुजरात के अपराधी अब्दुल लतीफ पर आधारित बताया जा रहा था पर फिल्म निर्माताओं ने स्पष्ट कर दिया कि फिल्म की कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है जिसका किसी भी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है फिल्म 25 जनवरी 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी फिल्म 1960 के दशक के मध्य से शुरू होती है और उन्नीस में समाप्त होती है जैसा कि फिल्म में एक अखबार की तारीख से रईस गुजरात के फतेहपुर में रहता है एक ऐसा राज्य जहाँ शराबबंदी लागू है और बहुत कम उम्र में कानूनी शराब के धंधे में शामिल हो जाता है शाहिद के साथ वह एक गैंगस्टर जयराज के लिए काम करता है जो पुलिस को रिश्वत देकर अवैध रूप से शराब की तस्करी करता है रईस अपनी माँ के दर्शन से जीता है वह हर व्यवसाय अच्छा है और कोई भी धर्म किसी भी व्यवसाय से बड़ा नहीं है क्योंकि यह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है रईस जयराज के साथ भाग लेने का फैसला करता है और खुद ही काम करना शुरू कर देता है वह मुंबई में मूसा भाई से मिलता है और उसकी मदद से वह अपना बोट लेगिंग व्यवसाय शुरू करता है इसी बीच एक ईमानदार पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर जे ए मजूमदार फतेहपुर में स्थानांतरित हो जाता है ए मजूमदार फतेहपुर में स्थानांतरित होता है

सरखेस रोजा में अहमदाबाद में शूटिंग के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा मंजूरी जारी की गई थी रईस के लिए संगीत राम संपत ने दिया है जावेद अख्तर ने फिल्म के गाने लिखे हैं फिल्म के संगीत अधिकारों का अधिग्रहण जी म्यूजिक कंपनी ने किया है फिल्म का गाना लैला में लैला उन्नीस की फिल्म कुर्बानी से लिया गया है और पुनर्निर्मित किया गया है संपूर्ण एल्बम 24 जनवरी 2017 को रिलीज किया गया था इसमें कुल आठ गाने थे जिन्हें गाया था पावन पांडे अरजीत सिंह हर्षदेव कौर सुखर सिंह भूमि त्रिवेदी कसरन सगाटिया, मीका सिंह, राम संपद, मालिक, के -के, रोशन राठौड़ श्रेया घोषाल और सोनू निगम ने रईस फिल्म की कहानी ये तो साधारण कही जा सकती है लेकिन फिल्म को शानदार तरीके से पेश किया गया है इस फिल्म का निर्देशन राहुल ढोलकिया ने किया है पूरी फिल्म मनोरंजन एक्शन और रोमांस के रंगों से भरी हुई है यह फिल्म गुजरात में अवैध शराब का कारोबार करने वाले कुख्यात अपराधी अब्दुल लतीफ का फिल्मी संस्करण है जिस पर ग्लैमर का तड़का लगा दिया गया है लतीफ़ पर नाइनटीन एट्टी टू नाइन्टी के दशक में गांधी की धरती पर अवैध शराब के धंधे हत्या अपराहड़ तस्करी के दर्जनों मामले समेत आतंकवादी एंड टाडा तक लगा था फिल्म की कहानी गुजरात के फतेहपुर से शुरू होती है जहां रईस का बचपन अपनी मां के साथ गरीबी में गुजर रहा है फिल्म रईस की कहानी 1980 के दौर में गुजरात के इर्द गिर्द घूमती है यह फिल्म रईस नाम के एक शख्स के बारे में बताती है जो ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है किंग खान की यह फिल्म रईस की ज़िंदगी में आते उतार चढ़ाव को दिखाती है फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह से जीरो से शुरू होकर रईस एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेता है रईस अपनी माँ की बात कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता को गांठ बांध आगे बढ़ता है और अवैध शराब के कारोबार करने लगता है रईस कामयाबी की सीढ़िया अपने चढ़ता चला जाता है लेकिन उसकी मुश्किल तब बढ़ जाती है जब उसके इलाके में पुलिस ऑफिसर जयदीप मजूमदार जब उसके इलाके में पुलिस ऑफिसर जयदीप मजूमदार आता है जो अवैध शराब कारोबारियों के रईस को अपने इलाके की रहने वाली मोहसिन यानी महिरा खान से प्यार है और उसे शादी कर वो अपना घर भी बजा लेता है फिर धीरे धीरे रईस गुजरात में बड़ा नाम बन जाता है और वहाँ का डॉन बन जाता है रईस अपने इलाके का मसीहा भी है और फिर उसके बाद फिल्म की कहानी कई जगहों पर यूटर्न लेती है रईस फिल्म की दो खास बातें हैं। एक्टिंग के लिहाज से शाहरुख खान को नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बराबर की टक्कर दी है शाहरुख खान को देखकर ऐसा लगता है जैसे वह किरदार में पूरी तरह से समा गए हों चार ढाल डायलॉग डिलीवरी और हाव भाव पूरी तरह से उसी किरदार का नजर आता है जो उन्होंने पर्दे पर निभाया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अभिनय के मामले में शाहरुख खान को कड़ी टक्कर दी है फिल्म कुछ जगहों पर कमजोर पड़ी भी है तो वह इन दोनों अभिनेताओं ने अपने एक्टिंग से संभाल लिया है और इस कमी को झलकने नहीं दी है पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान की यह बॉलीवुड में पहली फिल्म है एक्टिंग के लिहाज से उनके पास ज़्यादा कुछ करने का स्कोप नहीं बचा था फिर भी उन्होंने अदाकारी अच्छी की है माहिरा के साथ शाहरुख खान का रोमांटिक एंगल भी अच्छा है फिल्म में माहिरा खान बेहद खूबसूरत दिखे हैं शाहरुख खान के साथ उनकी केमिस्ट्री चस्ती है रेस के संवाद आपको ताली और चीटियाँ बजाने को अभिवास कर देंगे स्क्रिप्ट कसी हुई है और सीन्स का फिल्मांकन भी दमदार है बैकग्राउंड स्कोर ने फिल्म में जान डाल दी है संगीत की बात करें तो उड़ी उड़ी जाए जालिमा लैला में लैला जैसे गाने पहले ही हिट हो चुके थे फिल्म के गाने भी इसका एक अहम हिस्सा हो गया है फिल्म की लंबाई थोड़ी ज़्यादा लगती है जिसे एडिटिंग का थोड़ा छोटा किया जा सकता था लेकिन कुल मिलाकर आप शाहरुख खान के फैन हैं और एक मनोरंजक फिल्म देखना चाहते हैं तो आप यह फिल्म देख सकते हैं अक्सर सोचा कि गैंगस्टर अपराधियों और अंडरवर्ल्ड पर बनने वाली फिल्मों में कुछ ऐसी बात तो जरूर है कि क्यों पूरी दुनिया भर के अनेक फिल्म मेकर्स इस शैली की फिल्मों से इतने आकर्षित हैं हालांकि मैं इस शैली की फिल्मों का जबरदस्त प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन साथ ही मुझे यह कहना होगा कि मैंने मुंबई में बनी क्राइम बेस्ड फिल्में दीवार धर्मात्मा परिंदा अग्निपथ सत्या वास्तव गैंगस्टर शूट आउट एट लोखंड वाला वन सपा ए टाइम इन मुंबई का भरपूर आनंद लिया इन फिल्मों में फिल्म इंडस्ट्री के कई सारे बड़े नाम जुड़े थे इन फिल्मों को याद रखने योग्य वैल्यू है मेरे मन में एक अमित छाप छोड़ने के अलावा इन फिल्मों ने समय समय की रेत पर भी एक अमित छाप छोड़ी रईस के बारे में जबरदस्त अटकलें हैं इस फिल्म की कहानी असल जिंदगी से प्रेरित है यह असल जिंदगी के किरदारों पर आधारित है सच तो फिल्म में दिखाए गए किरदारों की पर टिप्पणी करने के लिए अटकलों को जांचने के लिए मैं सही शख्स नहीं हूँ लेकिन एक प्रेमी होने के नाते मुझे यह स्वीकार करना होगा कि रईस ने मुझे अपनी दुनिया में पहुंचा दिया अपराधियों के जीवन पर आधारित ज्यादातर फिल्मों की एक सुनिश्चित प्रकथा होती है एक आदमी का जुर्म का रास्ता अपनाना उसका एक नामी ग्रामी अपराधी बन जाना अमीर और प्रभावशाली लोगों में उठना बैठना, लेकिन आखिर में कानून के हाथों सब हिसाब किताब है निर्देशक राहुल ढुलकिया ने रईस में एक दमदार पावर प्ले और रईस व ईमानदार पुलिस वाले जयदीप के बीच चूहे बिल्ली जैसा पीछा बहुत ही प्रभावशाली ढंग से दर्शाया है मेरी राय से यही इस फिल्म का मुख्य आधार है यह कहने के बाद मैं स्वीकार करता हूँ जो फिल्म को एक ऊंचाई पर लेकर जाता है वो है शहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिन्होंने अपने अपने हिस्से के बेहतरीन किरदार निभाए सन 1980 की दशक की पृष्ठभूमि में रई सिस्टम प्रणाली को हराने की कोशिश करता है और अपनी शर्तों पर सफल भी हो जाता है उद्यमशीलता के लिए उसका प्राकृतिक स्वभाव और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के दौरान कभी हार न मानने वाले दृढ़ संकल्प ने उसे प्यार और डरावना दोनों बना दिया उसे प्यारा और डरावना दोनों बना दिया और फिर होती है अपराध को खत्म करने और रईस के साम्राज्य को खत्म करने की प्रतिज्ञा ली है कि एंट्री बीते हुए युग को एक बार फिर से बनाना वाकई बहुत मुश्किल काम है लेकिन सबसे मुश्किल हिस्सा है वर्तमान के दर्शकों जिन्हें उन किरदारों और युग के बारे में कोई जानकारी नहीं है को शामिल करना प्रोडक्शन के बिना किसी गलती के उस युग को बेहतरीन ढंग से बनाया है ढोलकिया और उनके लेखक की टीम ने इस फिल्म इस बात का पूरा ख्याल रखा कि फिल्म की लिखित सामग्री इतनी शक्तिशाली हो कि दर्शक तल्लीनता से फिल्म का मजा ले परिणाम स्वरूप यह फिल्म न केवल 1980 के दशक की यादें ताजा करती है बल्कि आपको उन बीते दिनों को महसूस भी कराती है और इसलिए इसके किरदारों और एपिसोड जो फिल्म में हाईलाइट किए गए हैं का धन्यवाद ढोलकिया वास्तव में कट्टर व्यवसायिक फिल्म निर्माता होने के लिए नहीं जाने जाते हैं लेकिन जब आप इनके काम करने का तरीका देखते हैं तो आपको खुद ब खुद यह महसूस हो जाता है कि उनका झुकाव वास्तविकता में ज्यादा है बजाय कृतमिकता के लेकिन रईस के बारे में बात करें तो रईस में वास्तविकता और मसाला दोनों ही आश्चर्यजनक रूप से जुड़ा है फिल्म की कहानी बिना जोड़ के सीधे रोमांस से कौन किससे बढ़ के के खेल की ओर रुक कर लेती है जब चोर पुलिस की भिड़ंत होती है ये एक बड़े बजट की फिल्म है और शाहरुख और ढुलकिया भली भांति जानते हैं कि दाव बड़ा है उन्होंने वास्तविकता को बनाए रखा है और इस बात का ख्याल रखा है कि फिल्म की गति और ऊर्जा कदाचित कम न हो लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने शाहरुख खान के करोड़ों प्रशंसकों को जरा भी निराश नहीं किया है एक कहानी वक्ता के रूप में वह लेप लेते हैं और लिखित सामग्री के साथ पूरा न्याय करते हैं और साथ ही फिल्म के हर किरदार से उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस को निचोड़ने में कामयाब रहते हैं फिल्म का फर्स्ट हाफ आपकी उत्सुकता को खोल कर रख देता है और फिर आप सेकंड हाफ देखने के लिए ललायत हो जाते हैं लेकिन यह समस्या पैदा होती है इंटरमिशन के बाद फिल्म की गति धीमी पड़ जाती है और रोमांटिक गीत और कुछ सीक्वेंस सीन विफल हो जाते हैं शुक्र है फिल्म फिर से अपनी रफ्तार पकड़ती है जब रईस की ज़िंदगी में एक नाटकीय मोड़ लेती है जो कि फिल्म का हाई वोल्टेज क्लाइमैक्स है फिल्म का साउंड ट्रैक अच्छा है हालांकि फ़िल्म के डांस और गीत में थोड़ी और गुंजाइश हो सकती थी फिल्म के गाने लैला में लैला और चालमा गाना पहले से ही दर्शकों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे हालांकि लैला में लैला गाना के महत्वपूर्ण मोड़ पर आता है और कहानी को आगे ले जाता है बैकग्राउंड स्कोर प्रभाव उत्पादक है विशेष रूप से सिग्नेचर ट्यून जिसे कथानक में उदारपूर्वक इस्तेमाल किया गया फिल्म की सिनेमाटोग्राफी ने चिल्लू पर स्थानों को बहुत ही शानदार ढंग से कैप्चर किया है एडिटिंग एकदम कसा हुआ है दर्शकों को ध्यान में रखकर डायलॉग बनाए गए जो अपना असर छोड़ते हैं बनिए का दिमाग और मियाँ भाई की डेयरिंग और अम्मी जान कहती थी कि कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता जैसे कई डायलॉग पहले ही दर्शकों के बीच अपनी जगह बना चुके हैं मुझे नवाजुद्दीन के लाइनों पर भी ध्यान आकर्षित करना चाहिए वो लोगों में उत्साह और उमंग भर देते हैं विशेष रूप से फर्स्ट हाफ में एक्शन सीक्वेंस बेहद दमदार हैं रईस में शानदार प्रदर्शन लगातार उल्लेखनीय है शहरुख बढ़िया कलाकार के साथ साथ शो स्टीलर भी हैं फिल्म में उनका गिरे किरदार उनके करियर के प्रारंभ में उनकी पुरस्कार योग्य परफॉर्मेंस की याद दिलाता है नवाजुद्दीन ने अपने सह कलाकार की प्रतिभा से मैच करते हुए अपनी शानदार परफॉर्मेंस देते हैं दोनों शहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का प्रदर्शन आपको फिल्म की कहानी के साथ साथ किरदारों में डुबा देता है माहिरा खान बेहद खूबसूरत लगती हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने किरदार को निभाती हैं मोहम्मद जीशान अयूब की एक ठोस भूमिका में पूरी तरह से डूब जाते हैं और एक बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं अतुल कुलकर्णी अपनी मौजूदगी एक प्रतिबंध प्रदर्शन के साथ महसूस कराते हैं शिबा चड्ढा एक संक्षिप्त भूमिका में जचती हैं नरेंद्र झा जयदीप अहलावत उत्कर्ष मजूमदार प्रमोद पाठक और उदय तिकेकर अपने अपने भागों में परिपूर्ण हैं सनी लियोन लैला में लैला आइटम नंबर में सनसनी फैला देती हैं। कुल मिलाकर रईस पक्के तौर पर एक हिट फिल्म है इसमें कोई शक नहीं है कि शाहरुख खान एक सेंसनल अभिनेता हैं जो प्यार मनोहार और स्टारडम शहरों को उनकी प्रारंभिक फिल्मों में प्राप्त हुआ वही सब कुछ एक बार फिर रेस में ही देखने को मिलेगा इस फिल्म को हिट कराने में कुछ तथ्यों का भारी योगदान है और उनमें शामिल है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जबरदस्त परफॉर्मेंस भीड़ जुटाने के लिए लिखी गई है इसकी विशेष सामग्री और निसंदेह इसका मनोरंजक क्लाइमैक्स फिल्म रईस उन्नीस सौ अस्सी के दशक में गुजरात आधारित एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है यह ऐसे तस्कर की कहानी है जिसके धंधे को एक सख्त पुलिस अधिकारी ने चौपट कर दिया क्लेश और रेड सिलिश एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित यह फिल्म 25 जनवरी 2017 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी कहानी गुजरात के फतेहपुर की है जहाँ फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटे बच्चे रईस आलम से जो गरीबी के कारण शराब तस्करी में आ जाता है स्कूल में उसे ब्लैक बोर्ड पर पढ़ने में दिक्कत होती है पड़ोस का डॉक्टर उसे चश्मा लेने की सलाह देता है चश्मा पहनने के बाद रईस आलम हर किसी को वार्निंग देता है बैटरी नहीं बोलने का शराब तस्करी के लिए पड़े छापे में उसकी अम्मी उसे बचाने जाती है और बोलती है कि कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता बस इसको रईस अपनी ज़िंदगी का मूल मंत्र बना लेता है इसके बाद रईस शराब के बिजनेस में अपने दोस्त सादिक के साथ आ जाता है और शराब तस्कर के बादशाह जयराज सेठ का दाया हाथ बन जाता है और बनिए का दिमाग और मियाँ भाई की डेयरिंग को सब जानते हैं जैसे जैसे समय बीतता है रईस अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है सादिक रईस का बेस्ट फ्रेंड है रईस अपने एम्पायर का बॉस बन जाता है पुलिस नेता हर किसी से उसकी साठ गाट है और उसका काम होता रहता है लेकिन वो साथ ही साथ देसी रॉबिन हुड भी है चाहे उसके पड़ोसी हों मोहल्ले वाले या कोई और वो कभी मदद करने से हिचकिचाता नहीं है कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर जदीब मजुमदार से होती है जिसका ट्रांसफर रईस के इलाके में होता है जदीम मजुमदार का एक ही इरादा होता है कि रईस के बिजनेस को मिट्टी में मिला देना है उसे आप कहते सुनेंगे कि रईस का और मेरा रिश्ता बड़ा अजीब है पास रह नहीं सकता और सलाह दूर जाने को नहीं देता पास रह नहीं सकता और दूर जाने नहीं देता पास रह नहीं सकता और सलाह दूर जाने नहीं देता इसके बाद फिल्म चूहे बिल्ली का खेल शुरू होता है इसके बाद फिल्म में चूहे बिल्ली का खेल शुरू होता है शाहरुख खान की फिल्म रईस आपको 70 और 80 के दशक की टिपिकल मसाला फिल्मों की याद दिलाएगी जिसका हीरो बुरा काम तो करता है लेकिन वो गरीबों का मसीहा भी है एक पुलिस वाला है जो गंदी राजनीति के बीच भी अपना काम ईमानदारी से करता है खूबसूरत हीरोइन है और हीरो की परछाई बनकर रहती हैं एक वफ़ादार दोस्त है जो हीरो के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार है साथ ही कुछ बुरे लोग सताई जनता बेबस माँ और खूब सारा एक्शन इसके अलावा हेलन की तर्ज पर सनी लेनी का एक आइटम सॉन्ग भी है जो खून खराबे के बीच सुकून देता है कहानी एट्टी के दशक के गुजरात पर बेस्ड है जहाँ रईस अपनी अम्मी के साथ रहता है घर की माली हालत ख़राब होने की वजह से स्कूल के टाइम से ही रईस का दिमाग धंधे की तरफ आकर्षित होने लगता है और वो स्कूल के बैग में शराब रखकर सप्लाई करने लगता है लेकिन बड़े होने के बाद रईस अपना खुद का धंधा शुरू करता है अपने दिमाग और डेयरिंग की वजह से वो जल्द ही अवैध शराब का बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है लेकिन इसी बीच एसीपी सी पी मजूमदार यानी नवाजुद्दीन सिद्ध की उसके पीछे पड़ जाता है जो काफ़ी कड़क पुलिस वाला है लेकिन रईस का धंधा रोक पाने की हजार कोशिश करने के बावजूद भी मजूमदार उसे पकड़ नहीं पाता इस दौरान कहानी में कई उतार चढ़ाव आते हैं जिनमें चुनाव दंगे बम ब्लास्ट जैसी कई घटनाएं दिखाई जाती हैं फिल्म की एंडिंग भी काफ़ी दिलचस्प है के यूँ मोहनन की सीनेमाटोग्राफी कमाल की है बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा बनाया गया है जिसकी वजह से एट्टी के दशक का माहौल पूरी फिल्म के दौरान बना रहता है फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है इसके डायलॉग्स जो ऑडियंस को तालियां बजाने पर मजबूर कर देते हैं फिल्म का फर्स्ट हाफ अच्छा है लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म की रफ्तार सुस्त हो जाती है जिसे ठीक किया जा सकता था साथ ही फिल्म के एक दो गाने भी इसकी रफ्तार पर असर डालते हैं सिर्फ सनी लेनी पर फिल्माया गया आइटम सॉन्ग ही कहानी के साथ सिर्फ सनी लेनी पर फिल्माया गया आइटम सॉन्ग ही कहानी के साथ फिट बैठता है फिल्म के सेकंड हाफ को और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था रईस पूरी तरह से शाहरुख खान की फिल्म है उनका काम शानदार है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग भी बेहतरीन है फिल्म में जब भी दोनों साथ नज़र आते हैं एडवेंचर बढ़ जाता है जहाँ एक तरफ नवाजुद्दीन की लिख लेने की स्टाइल है वहीं दूसरी तरफ शाहरुख खान के डायलॉग बोलने का अंदाज़ कमाल का है मोहम्मद जीसान अयूब अतुल कुलकर्णी और बाकी एक्टर्स का काम भी अच्छा है पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान के लिए करने को ज़्यादा कुछ नहीं था एक दो गाने और चुनिंदा रोमांटिक सीन में भी वो अपना असर छोड़ नहीं पाती सेकंड हाफ़ में उनका रोल थोड़ा उभर कर आता है लेकिन वो भी कुछ देर के लिए फ़िल्म का बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है लेकिन सॉन्ग में सिर्फ लैला में लेला ही कहानी के साथ फिट बैठता है यूँ तो फिल्म को लेकर शुरू से कोई ना कोई विवाद रहा है लेकिन फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स हैं जिन पर विवाद हो सकता था फिर चाहे वो बोचड़ खाने में जानवरों को काटने का सीन हो या फिर गांधी की मूर्ति से चश्मा उतारने का सीन कुल मिलाकर ये फिल्म एक नए पैकेट में पुराने माल की तरह है और अगर आप शहरुख खान और नाजुद्दीन सिद्दीकी के फैन हैं तो आप एक बार ये फिल्म जरूर देखें लंबे अरसे से रिलीज को तरस रही शहरुख खान की फिल्म रईस सत्तर और अस्सी के दशक की टिपिकल मसाला फिल्मों की याद दिलाती है इस फिल्म का हीरो गैरकानूनी काम तो करता है लेकिन वो गरीबों का मसीहा भी है इस हीरो के साथ है एक खूबसूरत हीरोइन जो हीरो की परछाई की तरह है हीरो का एक जिगरी दोस्त जो उसके लिए अपनी जान भी दे सकता है फिर एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर जो अपने काम को पूरी ईमानदारी से पूरा करता है इन सबसे बेबस माँ अत्याचार की मारी जनता कुछ बुरे लोग और खूब सारा एक्शन इतने मसाले के बाद एक जबरदस्त आइटम नंबर जो हैलिन की याद दिलाता और खून खराबे के बीच राहत देता है फिल्म की कहानी अस्सी के दशक के गुजरात पर आधारित है जहाँ रईस अपनी अम्मी के साथ रहता है घर की माली हालत बहुत ख़राब रहती है जिससे रईस का दिमाग शुरू से ही धंधे की तरफ रहता है रईस बचपन से ही स्कूल बैग में शराब रखकर सप्लाई करने लगता है लेकिन बड़े होने के बाद वो खुद का धंधा शुरू करता है अपने दिमाग और निडरता से अवैध शराब कारोबारी में बड़ा नाम बन जाता है सब कुछ ठीक चल रहा होता है तभी एक एसीपी सी मजूमदार रईस के पीछे पड़ जाता है मजूमदार एक कड़क पुलिस ऑफिसर है जो शराब के अवैध कारोबार को रोकने की कई कोशिशें करता है तमाम कोशिशों के बावजूद भी रईस उसकी पकड़ से आज़ाद ही रहता है कई उतार चढ़ाव से गुजरते हुए इस कहानी का अंत काफ़ी दिलचस्प होता है फिल्म का निर्देशन उमदा है फर्स्ट हाफ काफ़ी कसा हुआ है लेकिन सेकेंड हाफ में फिल्म आपको अजीब से रॉबिन हुड जोन में लेकर जाती है यहाँ अचानक से एंटी हीरो के ख्याल बदलने लगते हैं और वो मसीहा बनने लगता है सरपट भागती फिल्म लेने लगती है खैरियत बात करें सिनेमाटोग्राफी की तो के यू मोहनन का काम कमाल का रहा है फिल्म आपको अस्सी के दशक में ही लेकर जाती है वही इस फिल्म के वन लाइनर भी जबरदस्त हैं वन लाइनर्स पर फिल्म को दर्शकों की खूब तालियां भी मिलती हैं जब सनी लेनी अपने आइटम नंबर लैला में लैला लेकर आती हैं तो दर्शक झूम उठते हैं वही कुछ गाने फिल्म की रफ्तार बेजा ही सुस्त कर देते हैं फिल्म रज को पूरी तरह शाहरुख खान की फिल्म कहने में दो राय नहीं है उनका प्रदर्शन भी बेहतरीन है गुस्से और फुर्तीलास गुस्से और फुर्ती से भरे शहरुख इस बार अपनी बाहें फैलाते नहीं बल्कि दूसरों को तोड़ते नज़र आ रहे हैं वही नवाजुद्दीन ने ही शानदार अदाकारी की है फिल्म में जब जब दोनों कलाकार एक फ्रेम में नज़र आए रोमांच चरम पर पहुंचा मोहम्मद जीशान अयूब अतुल कुलकर्णी के साथ बाकी कलाकारों ने भी अच्छा काम किया है हालांकि पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा महज एक सौ पीस ही लगी हैं फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर बढ़िया है लेकिन बाकी गानों में सिर्फ लैला में लैला ही कहानी के हिसाब से अच्छा लग रहा है जैसे ही रईस फिल्म खत्म होती है मन में सवाल आता है कि इस फिल्म की ज़रूरत क्या है क्यों बनाई गई है निर्माता निर्देशक सितारे आखिर कहना क्या चाहते हैं हिंदी सिनेमा में सैकड़ों फिल्में हैं जिनमें घोर गरीबी में पला बड़ा बच्चा बड़ा होकर गैंगस्टर नुमा अपराधी बनता है और कोई जिद्दी पुलिस वाला उनके पीछे लगा होता है पुलिस वालों को छकाते हुए फिल्म में छाए रहने वाले हीरो की मौत अंत में पुलिस वाले की गोली से होती है रेस की कहानी इससे ज्यादा नहीं है नया क्या है ना बनिया का दिमाग दिखता है और ना मियाँ भाई की डेयरिंग शाहरुख खान चले हुए कारतूस नजर आते हैं और राहुल ढुलकिया अध्यय सितारे के मध में बही निशानची कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता इसलिए धन से फिल्म के लिए तारीफें और अवार्ड खरीदे जा सकते हैं हिट का तिलस्मा रचा जा सकता है रईस को काल्पनिक कहानी मानना आधा सच है या गुजरात में अवैध शराब का कारोबार करने वाले कुख्यात अपराधी अब्दुल लतीफ का फिल्मी संस्करण है जिस पर ग्लैमर का वर्क चढ़ा है लतीब पर 1980 एटी टू के दशक में गांधी की धरती पर अवैध शराब के धंधे हत्या अपहरण तस्करी के दर्जनों मामले समेत आतंकवादी तथा विघटनकारी क्रियाकलाप अधिनियम यानी डाटा तक लगा था मुंबई बम धमाकों में उसका नाम सीधे नहीं आया मगर वह आतंकी दाऊद इब्राहिम से कनेक्ट और कराची में उसका मेहमान था लतीफ पुलिस की गिरफ्त से फरार होने की कोशिश करते हुए मारा गया रईस की कहानी में लतीफ और उससे जुड़े आपराधिक राजनीतिक सूत्रों के ताने बाने हैं यह रईस को रॉबिन हुड अंदाज से रंगते हुए गरीबों का मसीहा दिखाने की कोशिश है गौर से देखो तो टिकट खिड़की पर लगातार पिट रहे शाहरुख खान यहाँ सलमान खान के फिल्मों में यहाँ सलमान खान के फिल्मों में चैरिटी करने के फार्मूले से सहानुभूत बटोरने की लचर कोशिश में थे कई हिस्सों में रईस एंग्री यंगमैन अमिताभ बच्चन की एंट्री हीरो फिल्मों की खराब फोटो कापी जैसी है शाहरुख ना गुस्से और एक्शन में जमते हैं ना रोमांस करते हुए पुलिस बने नवाजुद्दीन सिद्दीकी पूरी फिल्म में उन पर हावी हैं नवाज़ फिल्म को ना संभालते तो यह भर कर गिर ही पड़ती माहिरा खान सुंदर हैं परंतु उनकी भूमिका बेहद कमजोर है गीत संगीत औसत है बैकग्राउंड म्यूजिक जरूर 1980 के दशक की यादें ताज़ा करता है सनी लियोनी का आइटम डांस लैला जिस मोड़ पर आता है वहाँ रईस की परिस्थितियाँ इतनी तनाव भरी हैं कि यह असर नहीं छोड़ पाता अगर आप इतने रईस हैं कि ऐसी बासी निरर्थक फिल्म पर अगर आप इतने रईस हैं कि ऐसी बासी निरर्थक फिल्म पर नोट उड़ा सकते हैं तो इसे देखें उस साल दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई थी शाहरुख खान की रईस और ऋतिक रोशन की काबिल एक ही दिन दो बड़ी फिल्में रिलीज होने से दोनों अभिनेता परेशान थे कि कहीं एक फिल्म की वजह से दूसरे के कारोबार को नुकसान न पहुंचे ऐसे में सारा दौरमदार फिल्म की कहानी और उसके कंटेंट पर था साल की शुरुआत में बॉलीवुड के दो दिग्गजों की फिल्म एक ही दिन रिलीज होने से दर्शकों के सामने बड़ी उलझन थी राय इस फिल्म की कहानी सबसे बड़ी खासियत है कि यह शाहरुख खान की पहली पूरी एक्शन फिल्म है शाहरुख खान के अभिनय की तारीफ करनी पड़ेगी गैंगस्टर की भूमिका को उन्होंने इतनी बाखूबी से निभाया है अभिनि के मामले में नौजुद्न सिद्दीकी भी इस फिल्म में बराबर खड़े दिखते हैं फिल्म में एक्शन भरपूर है कई जगहों पर फिल्म काफ़ी रियलिस्टिक लगती है फिल्म में अस्सी के दशक के गुजरात का शानदार खाका खींचा गया है फिल्म के निर्देशक राहुल ढलकिया का निर्देशन अच्छा है और फिल्म का स्क्रीन प्ले काफ़ी कसा हुआ है जैसा कि हर फिल्म में होता है कुछ अच्छे पॉइंट्स के साथ कुछ कमजोर पॉइंट्स भी होते हैं जो इस प्रकार है फिल्म की कहानी में कुछ भी नया नहीं लगता है इस तरह की गंगेस्टर फिल्में पहले भी कई बार बन चुकी हैं इस फिल्म में आपको अमिताभ की अग्निपथ अजय देवगन की ए टाइम इन मुंबई जैसी फिल्मों की झलक नजर आती है लगता है कि उन्हीं को मिला कर एक फिल्म बना दी गई है पौने तीन घंटे लंबी फिल्म बोझिल लगती है आइटम सॉन्ग और रोमांटिक गाने ठूसे हुए लगते हैं फिल्म का क्लाइमैक्स आपको चौंका सकता है के फैंस को हो सकता है क्लाइमैक्स हजम ना हो बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के अभिनय से सजी फिल्म रईस 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो चुकी थी दर्शक लंबे वक्त से फिल्म के प्रदर्शन का इंतजार कर रहे थे इसके ट्रेलर और गानों को काफ़ी पसंद किया गया था शाहरुख खान ने इसके प्रमोशन में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी चाहे सलमान खान शो बिग बॉस में जाना हो या मुंबई से दिल्ली तक ट्रेन में सफ़र करना हो किंग खान अपनी इस फिल्म के प्रचार में जुटे हुए थे हालांकि फैंस के लिए शाहरुख खान की फिल्म का रिलीज होना अपने आप में एक बड़ी बात थी यह कहानी गुजरात में रहने वाले एक छोटे बच्चे रईस आलम की है जो गरीबी के कारण शराब तस्करी के धंधे में पड़ जाता है उसका सपना है कि एक दिन वह बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा पढ़ाई के साथ साथ वह शराब बेचने का भी काम करता है उसकी माँ ने हमेशा उसे सिखाया है कि कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता बस माँ की इस बात को ध्यान में रखकर शराब की तस्करी करते हुए वह बच्चा एक बड़ा हो जाता है देखते ही देखते वह गुजरात का एक बड़ा शराब माफिया बन जाता है रईस का बेस्ट फ्रेंड सादिक जो हमेशा उसके साथ रहता है इसके बाद फिल्म में एंट्री होती है इंस्पेक्टर जयदीप मजूमदार की जिसका एक ही मकसद है रईस के धंधे को रोकना फिल्म के संवाद काफी बेहतरीन है फिल्म में शाहरुख खान एक अलग ही अंदाज में नजर आए थे वह बेहतरीन डायलॉगबाजी करते हुए भी दिखाई दे रहे थे एक बार फिर वह इस फिल्म में दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब हुए थे वहीं दूसरी तरफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी पुलिस अधिकारी के किरदार को बाखूबी पर्दे पर उतारा था अभिनय से लेकर उन्होंने संवादों को शानदार ढंग से पर्दे पर पेश किया था पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान की बात करें तो बेहद खूबसूरत नज़र आ रही थी लेकिन वह कुछ ही सीन में नजर आई हैं मोहम्मद जिसान अयूब रांझाड़ा और तनु बेट्स मनु रिटर्न के बाद एक बार फिर इस फिल्म में जबरदस्त रोल में दिखे थे राहुल ढुलकिया ने रईश को नाइन्टी के दशक को दिखाने की पूरी मेहनत की है इस फिल्म को देखते हुए कई जगहों पर आपको पुराने दौर की फिल्में याद आ जाएंगी जिसमें हर कोई हीरो के सामने आकर कमज़ोर हो जाता है वही हीरो का अपनी मां की ओर बेनतहा प्यार दिखाया गया है फिल्म में शाहरुख खान का होना उनके फैंस के लिए देखना यही सबसे बड़ा कारण साबित होता है वही इसमें आपको बेहतरीन डायलॉग बाजी एक्शन रोमांस और ड्रामा एक साथ देखने को मिलेंगे फिल्म के गाने पहले ही हिट हो चुके थे सनी लियोनी का लैला अंदाज आपको दीवाना बना देगा मूवी की कहानी को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि यह मूवी अस्सी और नब्बे के दशक में गुजरात के अवैध शराब का धंधा करने वाले गैंगस्टर अब्दुल लतीफ पर आधारित है लतीफ का गुजरात में अवैध शराब का बड़ा साम्राज्य था अब्दुल लतीफ अहमदाबाद की गरीब बस्ती में पला बढ़ा था उसे जल्द ही समझ आ गया था कि बिना पैसे और पावर से अच्छी ज़िंदगी को नहीं जिया जा सकता लतीफ के पिता तम्बाकू बेचते थे उसने अपने घर वालों की मदद के लिए छोटी ही उम्र में जुआ घरों में काम करना शुरू कर दिया लतीफ के सात भाई बहन थे अब्दुल लतीफ अपराध जगत में पहली बार उस वक्त रूबरू हुए जब उसकी मुलाकात मंजूर अली से हुई मंजूर अली एक जुआ घर चलाता था मंजूर ने जब लतीफ़ के एक अवैध शराब के धंधे वाली जगह पर काम करते देखा तो उसे अपने बिजनेस की बागडोर संभाल लतीफ़ जल्द ही अवैध शराब के धंधे में नियम सीखता गया और उसने कुछ ही सालों में अपनी ही एक गैंग खड़ी कर ली अवैध शराब के धंधे के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स रिलेटर्स रिटेलर्स सप्लायर्स एक्साइज विभाग और पुलिस से संपर्क बना लिए इसके बाद उसका धंधा चल निकला इसी तरह उसके राजनीति में भी अच्छे संपर्क बन गए इसके साथ ही उसने राज्य में अवैध शराब के धंधे का एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया इस दौरान लतीफ एक राजनीतिक पार्टी के मुख्य निशान बन गए इस दौरान लतीफ एक राजनीतिक पार्टी के मुख्य निशाना बन गए लतीफ पूरे गुजरात में एकाधिकार चाहते थे इसलिए उसने अपने प्रतिद्वंदी गुटों को ख़त्म कर दिया ऐसे में यह एक राजनीतिक मुद्दा बन गया 1990 में भाजपा ने इसका फायदा विधानसभा चुनाव में उठाने की कोशिश की लेकिन लतीफ जनता दल के नेतृत्व के नजदीक थे जनता पार्टी भाजपा की सहयोगी पार्टी थी ऐसे में यह सुलझा लिया गया हालांकि जब 1995 में भाजपा ने अकेले लड़ने का फैसला किया तो लतीफ को फिर टारगेट बनाया गया इसमें पार्टी को इसका अच्छा फायदा भी हुआ अंडोवर्ड दान दाऊद इब्राहिम से नज़दीकियों की वजह से उसके अवैध शराब के कारोबार में गिरावट आई थी उस पर 1992 के मुंबई ब्लास्ट में हथियार सप्लाई करने का भी शक था हालांकि उसका नाम दंगे के 198 आरोपियों में भी शामिल नहीं किया गया उसने एक बार पूछताछ के दौरान यह भी स्वीकार किया कि जब वह पंद्रह महीने कराची में रहा तो नियमित दाऊद इब्राहिम से मिलता था हालाँकि उसकी मुलाकात बिजनेस के सिलसिले में होती थी गुजरात में जब लतीफ का अवैध शराब का कारोबार चलता था तो उस पर सत्तानवे केस दर्ज थे जिसमें पंद्रह केस हत्या के शामिल थे उसे 10 अक्टूबर 1995 को एटीएस ने दिल्ली के जामा मस्जिद से गिरफ्तार किया था एटीएस ने उसे दो महीने तक जोड़ा था इसके बाद वह ए के हत्थे चढ़ा दो साल बाद अब्दुल लतीफ को उस वक्त इनकाउंटर में मार गिराया गया जब वह बचकर भागने की कोशिश कर रहा था उसकी गिरफ्तारी और इनकाउंटर भाजपा के पक्ष में हुई थी शाहरुख खान की मूवी रेस के निर्माताओं का कहना है कि अब्दुल लतीफ की कहानी से कुछ पहलू जरूर लिए गए हैं लेकिन मूवी की कहानी का उनसे कोई लेना देना नहीं है रईस बॉक्स ऑफिस पर वह सफलता नहीं प्राप्त कर सकी थी जिसकी इसकी उम्मीद की जा रही थी फिल्म बेहतरीन थी कमी थी तो सिर्फ सॉलिड एक्शन की यदि भी स्तर का होता तो निश्चित रूप से फिल्म ने 300 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया होता खैर आज इस फिल्म को दोबारा से देखने का मौका मिला फिल्म देखते समय ऐसा महसूस हुआ कि अभी हाल ही में हमने इसी तरह के कथानक पर एक आधारित ब्लॉकबस्टर फिल्म देखी है रईस को देखते हुए लगा कि यह तो पुष्पा दराइज की कहानी है एक दलित व्यक्ति की लत्ता से धन की कहानी जो खुद को अवैध व्यापार व्यवसाय में पाता है अपने भरोसेमंद दोस्त के साथ और कानून के साथ संघर्ष करता है क्या हम अल्लू अर्जुन की पुष्पा दराइज या शाहरुख खान की रईस के बारे में बात कर रहे हैं सुपरहिट फिल्म शाहरुख खान के सभी प्रशंसकों के लिए एक ट्रीट थी पशपाती लगाने के जोखिम पर वह कभी इतने अच्छे नहीं दिखे फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऋतिक रोशन की काबिल के साथ और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट से पता चलता है कि इस काबिल से कम कमाई की रईस आज भी एक प्रशंसक पसंदीदा है रईस के बाद हमने शाहरुख खान को जब हैरी मेट सोजल और जीरो में देखा किंग खान के प्रशंसक उस फिल्म को भूल नहीं पाएंगे इसलिए हम शाहरुख खान की अगली पठान के प्रत्याशा में रईस को फिर से देख रहे हैं अब हमारी तरह शाहरुख खान के कई अन्य प्रशंसक भी फिल्म को फिर से रहे हैं और क्या लगता है उन्हें भी हमारी तरह रईस और नई राष्ट्रीय गरीबी और अन्य चुनौतियों से लड़ते हुए जो उनके रास्ते में आ सकते हैं और अंत में विजयी होकर उभरना कुछ ऐसा है जिसे हम सिनेमाई पर्दे पर देखना पसंद करते हैं बेशक रईस और पुष्पा दोनों हमें वह देते हैं कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है हम देखते हैं कि पुष्पा राज और रईस आलम दोनों अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट और कड़ी मेहनत करते हैं उनकी चित्र बुद्धि ही उनका एकमात्र हथियार है और पैसा कमाना ही उनका एकमात्र उद्देश्य है आखिरकार हम देखते हैं कि दोनों अपने अपने सिडिकेट के नेता बनते हुए अपने खेल के शीर्ष पर पहुंच जाते हैं दोनों अवैध व्यापार में शामिल हैं जो उन्हें नायक विरोधी छाया भी देता है और यह कुछ ऐसा है जिसे हम हमेशा प्यार करते हैं खासकर जब शाहरुख खान की बात आती है शाहरुख खान की फिल्म रईस अब्दुल लतीफ़ की ज़िंदगी पर आधारित बताई जा रही है आइए जानते हैं अब्दुल लतीफ के बारे में कुछ बातें जो शायद आपको नहीं पता होंगी 1951 में जन्मे अब्दुल लतीफ ने शुरुआती दौर में गुजरात के अहमदाबाद में एक जुए और शराब के ठेके पर तीस रुपये महीने की नौकरी से की थी उस समय गुजरात में शराबबंदी लागू थी इसी के चलते लतीफ को तस्करी के धंधे में पैसा दिखने लगा और वो इस कारोबार में घुस गया एक पुलिस ऑफिसर ने बताया कि उन दिनों लतीफ़ पागलों की तरह पैसे छाप रहा था वह स्थानीय पुलिस वालों को हफ्ता और महंगे गिफ्ट देता था कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक उसमें गिफ्ट लेने वालों में थे पुलिस वालों को सबक सिखाने के लिए लतीफ ने नेताओं से संपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया उसने राजनीतिक दलों को चंदा देने शुरू कर दिया नाइनटीन के दशक में अहमदाबाद में कई बार दंगे हुए लतीफ ने उस समय दंगा पीड़ितों की बड़ी मदद की गरीबों और पीड़ितों की मदद करके लतीफ ने अहमदाबाद में रॉबिनहुड जैसी छवि बना ली शराब माफिया और गैंगस्टर अब्दुल लतीफ़ ने 1986 टू 87 में अहमदाबाद नगरपालिका चुनाव में पाँच सीटों पर एक साथ जीत हासिल की थी गुजरात में हुई कई हत्याओं में लतीफ का नाम सामने आया जिसके बाद लतीफ नाइनटीन में दुबई के रास्ते पाकिस्तान भाग गया था नाइनटीन में गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने लतीफ़ को पुरानी दिल्ली के एक पीसीओ सी से गिरफ्तार किया लतीफ करीब दो साल तक साबरमती जेल में रहा पुलिस के अनुसार नवंबर 1997 में लतीफ ने भागने की कोशिश की और पुलिस मुठभेड़ में मारा गया शहरुख खान एक बातचीत में अपनी फिल्म अपने किरदार और नोटबंदी के बारे में बात करते हुए शहरुख खान ने कहा था फिल्म रईस में मेरे किरदार की कहानी सात साल से सैंतालीस साल तक की है फिल्म में मेरे लुक को बढ़ती उम्र के साथ बदलता हुआ दिखाया जाएगा फिल्म के पोस्टर में जो दाढ़ी वाला लुक है वह मेरी इम्तियाज़ अली की फिल्म के लिए भी काम आ गया क्योंकि इम्तियाज को भी मेरी दाढ़ी वाला लुक ही चाहिए था क्योंकि उनकी फिल्म का कैरेक्टर पंजाबी है तो थोड़ी पंजाबी वाली दाढ़ी के साथ इम्तियाज की फिल्म में नज़र आऊँगा शाहरुख खान रईस में अपने नेगेटिव रोल को ही अपनी ही फिल्म डॉन के किरदार से तुलना करते हुए बताते हैं दोनों ही नेगेटिव किरदारों में फ़र्क है डॉन जो भी करता है सब स्टाइलिश सेक्सी और कूल लगता है और आप उसके लिए यही सोचेंगे कि डॉन को कभी मारा ना जाए रईस का किरदार अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना जानता है और गलती करने की इसकी कोई लिमिट नहीं है वो अपने धंधे से बड़ा किसी मजहब को नहीं मानता खबरें थी कि रईस का किरदार गुजरात के गैंगस्टर और शराब माफिया अब्दुल लतीफ की ज़िंदगी पर आधारित है शहरुख कहते हैं ये बात बिल्कुल गलत है रईस की कहानी बिल्कुल काल्पनिक कहानी है जो नब्बे के दशक पर बेस्ड है मुझे लगता है कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि हमारे लेखक निर्देशक और फिल्म की पृष्ठभूमि गुजरात की है हमें इसके लिए एक नोटिस भी आया था लेकिन इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है यह फिल्म किसी भी जिंदा या मर के इंसान की कहानी नहीं है मैंने उसके ऊपर बनी एक गुजराती फिल्म देखी है हम वही फिल्म फिर से क्यों बनाएंगे रेस में सनी लेवनी पर सुपरहिट गाना लैला में लैला फिल्माया है इस पर शहरुख कहते हैं कि सनी का गाना कोई आइटम नंबर नहीं है जब फिल्म देखे गए तो पता चलेगा कि सनी का पार्ट फिल्म के लिए कितना ज़रूरी है फिल्म नब्बे के दशक की है तो हमने सोचा कि उस समय अगर कोई बार में जाता था तो कौन सा गाना बजता रहा होगा हमें लगा कि उस समय का सबसे हिट गाना तो यही था बस हमने इस गाने के अधिकार ले लिए वही नोटबंदी पर शहरुख कहते हैं अब तो आमिर खान की फिल्म दंगल ने अपने बिजनेस से साबित कर दिया है कि नोटबंदी का कोई असर मनोरंजन में नहीं हो रहा है मेरी फिल्म जिंदगी भी आई थी और हमने जितना सोचा था उतना बिजनेस फिल्म ने किया नोटबंदी से आने वाला समय भ्रष्टाचार और काले धन से मुक्त होगा तो थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है तीन दशक पुरानी कहानी देखने के बाद आपके पास कहने सुनने को कुछ नहीं बचता सत्तर के दशक की कहानी लेकर आई फिल्म रईस एक गुजराती स्मगलर के इर्द गिर्द घूमती है रईस भाई जिन्हें पूरा गुजरात रॉबिन हुड मानता है लेकिन पुलिस की नज़र में रईस एक अपराधी है पूरी फिल्म में आपको बस चोर पुलिस का खेल दिखाई देगा और अंत वही पुराने जमाने के स्टाइल में हुआ रईस के स्टंट देखकर आपको इंडियाज गॉ टैलेंट के प्रतिभागी याद आएंगे जो अपने मूव से दर्शकों से ताली बजवाते हैं एक्टिंग की बात करें तो शाहरुख ने अपने स्टाइल से अलग हटकर वास्तव के संजय दत्त की नकल उतारी है बस फर्क इतना है कि वास्तव में संजय दत्त पचास तोला की चैन पहनते थे जबकि रईस गोल्ड का चश्मा लगाते हैं जबकि रईस गोल्ड का चश्मा लगाते हैं अब समझ नहीं आता है पहले से तय था कि शूटिंग के दौरान शाहरुख खान के अंदर कुछ ज़्यादा ही समा गए और यह सब देखकर रोमांच कम हंसी ज़्यादा आती है नवाजुद्दीन की बात करें तो उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है सही बात कहे तो नवाज़ के दम पर फिल्म में कुछ चान आती है माहिरा को बस जगह भरने के लिए रखा गया है उनकी ज़्यादा जरूरत नहीं थी फिल्म देखने क्यों गए इसकी कोई ठोस वजह नहीं मिलती फिल्म में ना तो कोई मोटिव है और ना ही कोई मोटिवेशनल वही मनोरंजन की बात करें तो यह कहानी निम्न दर्जे की है और रही बात गानों की तो यह बेवजह और बेवकत दिखाई पड़ते हैं सही मायनों में देखा जाए तो गानों को वहाँ रखना चाहिए जहाँ फिल्म की कहानी नीचे गिरती दिखती है फिल्म के अंत में जो मैसेज आता है वह भी बेतुका लगता है आप सोशल वर्क करते हैं तो अपराध करना जायज़ है यह बात समझ नहीं आती इधर दर्शक शाहरुख खान की फिल्म रईस का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उधर खबर आ रही थी कि रईस अब मुश्किल में फंस सकती है यह फिल्म गुजरात के गैंगस्टर रहे अब्दुल लतीफ के जीवन पर आधारित बताई जा रही थी लतीफ के बेटे अहमदाबाद की एक कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी जिसमें पिता का नाम खराब करने का आरोप लगाते हुए 101 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा भी ठोका था मुश्ताक ने शहरुख खान पर इस फिल्म के जरिए अपने पिता का नाम खराब करने का आरोप लगाया था साथ ही फिल्म की रिलीज और प्रमोशनल मटेरियल के जारी होने पर भी रोक की मांग की थी उनका दावा था कि फिल्म के दूसरे हिस्से में लतीफ को गलत तरीके से पेश किया गया है मुश्ताक का कहना था कि लतीफ को गुजरे कई साल हो चुके हैं आज उनका परिवार एक अच्छी और इज्जतदार जिंदगी जी रहा है ऐसे में एक बार फिर जब उन लोगों का नाम लतीफ के नाम के साथ जोड़ा जा रहा था तो उससे उनकी परेशानियाँ और बढ़ रही थी मुश्ताक का कहना था कि फिल्म की स्क्रिप्ट लिखे जाते वक्त कुछ लोग उनकी फैमिली से मिलने आए थे प्रोड्यूसर इस बात का प्रचार भी कर रहे थे कि फिल्म लतीफ की जिंदगी पर आधारित है अगर ये सच है तो इस फिल्म की कहानी का अंदाज़ा लतीफ को जानकर ही लगाया जा सकता है आइए जानते हैं कौन था डॉन लतीफ अहमदाबाद के दरियापुर इलाके में रहने वाले अब्दुल लतीफ कालूपुर ओवरब्रिज के पास देसी शराब बेचने की शुरुआत कर क्राइम की दुनिया में कदम रखा था धीरे धीरे उसने अंग्रेजी शराब बेचनी भी शुरू कर दी इससे अच्छी कमाई कर लेने के बाद लतीफ ने शहर के कोक इलाके में रहने वाले बदमाशों को अपनी गैंग में शामिल कर लिया लतीफ ने हथियार सप्लाई करने वाले शरीफ खान से हाथ मिलाया और शराब के साथ साथ हथियारों का भी तस्करी करने लगा कुछ ही सालों में लतीफ गैंगस्टर बन चुका था लेकिन किसी भी गैंगवार में वह खुद सामने नहीं रहा लतीफ ने चालाकी से कई छोटी मोटी गैंग में फूट डलवाई और उनके साथियों को अपने गैंग में मिला लिया इस तरह अहमदाबाद के बाद उसका दबदबा पूरे गुजरात में फैल गया लतीफ़ ने गुजरात में अवैध शराब बेचने का नेटवर्क तो इस कदर खड़ा कर लिया था कि कोई भी अवैध शराब बेचने वाला बिना उसकी मर्जी से शराब नहीं बेच सकता था उसे शराब लतीफ़ से ही खरीदनी पड़ती थी शहर के मुस्लिम इलाकों में लतीफ़ गरीबों के लिए मसीहा माना जाने लगा था क्योंकि वह बेरोजगार युवकों को अपनी गैंग में शामिल कर लेता था उसकी वजह से उसे पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिलने लगा बताया जाता है कि उस वक्त अंडरवर्ड दान दाऊद इब्राहिम भी वडोदरा में ड्रग्स का नेटवर्क खड़ा कर चुका था एक बार दाऊद और लतीफ के बीच गैंगवार छिड़ गई लतीफ के गुर्गों ने दाऊद को घेर लिया था और दाऊद को वडोदरा से भागना पड़ा लतीफ गुजरात में चालीस से भी ज्यादा हत्याओं का आरोपी था जबकि उतने ही किडनीपिंग केस भी उस पर थे अब्दुल लतीफ को 1995 में दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था जिसके बाद उसे साबरमती जेल अहमदाबाद जिसके बाद उसे साबरमती जेल अहमदाबाद में रखा गया पर जेल में भी लतीफ का कारोबार चलता रहा गुजरात के पहले और आखिरी अंडर वर्डदान अब्दुल लतीफ शेख की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1986 के अहमदाबाद महानगर पालिका चुनाव में लतीफ एक साथ पांच सीटों पर भारी बहुमत से जीता था और वो भी साबरमती सेंट्रल जेल में बैठे बैठे नवंबर नाइनटीन में अब्दुल लतीफ को गुजरात पुलिस ने एक एनकाउंटर में मार गिराया उस वक्त वह भागने की फिराक में था लतीफ के खत्म होने के साथ ही गुजरात में उसका पूरा नेटवर्क भी खत्म हो गया अब लतीफ की जिंदगी के इन पहलुओं को देखकर क्या कहे क्या ये फिल्म रईस की कहानी है हालांकि फिल्म निर्देशक राहुल ढोलकिया इस बात से साफ इनकार करते रहे हैं कि यह फिल्म लतीफ की जिंदगी पर आधारित है फिल्म रईस एक आदमी जिसका नाम रईस आलम था की जिंदगी पर से प्रेरित होकर बनाई गई है फिल्म 80 और 90 के दशक के गुजरात पर बनी है यह रईस के रिश्तों और तेजी से आगे बढ़ने की कहानी है जिसमें वह खाली हाथ आने के बाद एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेता है उसका अहदा पूरे राज्य में सबसे अधिक ताकतवर आदमी का हो जाता है गैंगस्टर से कुछ कम रईस एक मैनेजर की तरह काम करता है वह लोगों में अपनी पॉट बना लेता है और उसका भरोसा जीत लेता है उसका अपना काम करने का स्टाइल बेजोड़ इच्छा शक्ति और सोने जैसा दिल की बदौलत वह जनता में बेहद लोकप्रिय हो जाता है उसके किरदार की कई परतें हैं उसके कई चेहरे हैं जिनके कारण लोग उससे डरते हैं प्यार करते हैं और पूजते हैं हमेशा वक्त के आगे की सोच रखने वाला रईस अपने रास्ते की रुकावट बनने वाली हर चीज और आदमी को पूरी तरह से साफ कर देता है उसके साम्राज्य की नींव तब हिलती है जब उसके सामने किसी भी तरह के अपराध को सहन न करने वाला पुलिस ऑफिसर आ जाता है इस ऑफिसर की जिंदगी का एक ही मकसद होता है क्राइम का खात्मा आगे जो होता है वह है रईस और ऑफिसर के बीच की जंग जो फिल्म को आगे बढ़ाती है रईस अपराध पर आधारित हिंदी भाषा में बनी एक भारतीय एक्शन थ्रिलर फिल्म है इसका निर्देशन राहुल ढोलकिया ने किया है इसका निर्माण फरहान अख्तर रितेश सिद्वानी और गौरी खान ने किया है इसका निर्माण अप्रैल 2015 में शुरू हुआ इसमें शाहरुख खान माहिरा खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य किरदार में है फिल्म में अभिनेत्री सन्नी लोहन एक विशेष गाने में शाहरुख खान के साथ हैं फिल्म को गुजरात के अपराधी अब्दुल रतीफ पर आधारित बताया जा रहा था पर फिल्म निर्माताओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि फिल्म की कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है जिसका किसी भी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है फिल्म 25 जनवरी 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी फिल्म 1960 के दशक के मध्य से शुरू होती है और उन्नीस में समाप्त होती है जैसा कि फिल्म में एक अखबार की तारीख से रईस गुजरात के फतेहपुर में रहता है एक ऐसा राज्य जहाँ शराबबंदी लागू है और बहुत कम उम्र में कानूनी शराब के धंधे में शामिल हो जाता है शाहिद के साथ वह एक गैंगस्टर जयराज के लिए काम करता है जो पुलिस को रिश्वत देकर अवैध रूप से शराब की तस्करी करता है रईस अपनी माँ के दर्शन से जीता है वह हर व्यवसाय अच्छा है और कोई भी धर्म किसी भी व्यवसाय से बड़ा नहीं है क्योंकि यह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है रईस जयराज के साथ भाग लेने का फैसला करता है और खुद ही काम करना शुरू कर देता है वह मुंबई में मूसा भाई से मिलता है और उसकी मदद से वह अपना बोट लेगिंग व्यवसाय शुरू करता है इसी बीच एक ईमानदार पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर जे ए मजूमदार फतेहपुर में स्थानांतरित हो जाता है ए मजूमदार फतेहपुर में स्थानांतरित होता है और शराब डीलरों पर बड़ी कार्रवाई शुरू करता है फिल्म की शूटिंग अप्रैल 2015 में शुरू हुई फिल्म की शूटिंग मुंबई में की गई और शेड को अहमदाबाद की मालिन बस्तियों को चित्रित करने के लिए फिर से तैयार किया गया फिल्म का आखिरी शेड्यूल जनवरी 2016 में गुजरात में शूट किया गया था विरोध के बावजूद फिल्म को जनवरी और फरवरी दो के बीच बिना किसी व्यवधान के भुज में शूट किया गया प्राचीन मस्जिद और मकबरे पर सर सरखेस रोजा में अहमदाबाद में शूटिंग के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा मंजूरी जारी की गई थी रईस के लिए संगीत राम संपत ने दिया है जावेद अख्तर ने फिल्म के गाने लिखे हैं फिल्म के संगीत अधिकारों का अधिग्रहण जी म्यूजिक कंपनी ने किया है फिल्म का गाना लैला में लैला उन्नीस की फिल्म कुर्बानी से लिया गया है और पुनर्निर्मित किया गया है संपूर्ण एल्बम 24 जनवरी 2017 को रिलीज किया गया था इसमें कुल आठ गाने थे जिन्हें गाया था पावन पांडे अरजीत सिंह हर्षदेव कौर सुखविंदर सिंह भूमि त्रिवेदी कसरन सगाटिया, मीका सिंह, राम संपद, मालिक, के -के, रोशन राठौड़ श्रेया घोषाल और सोनू निगम ने रईस फिल्म की कहानी ये तो साधारण कही जा सकती है लेकिन फिल्म को शानदार तरीके से पेश किया गया है इस फिल्म का निर्देशन राहुल ढोलकिया ने किया है पूरी फिल्म मनोरंजन एक्शन और रोमांस के रंगों से भरी हुई है यह फिल्म गुजरात में अवैध शराब का कारोबार करने वाले कुख्यात अपराधी अब्दुल लतीफ का फिल्मी संस्करण है जिस पर ग्लैमर का तड़का लगा दिया गया है लतीफ़ पर नाइनटीन एट्टी टू नाइन्टी के दशक में गांधी की धरती पर अवैध शराब के धंधे हत्या अपराहड़ तस्करी के दर्जनों मामले समेत आतंकवादी एंड टाडा तक लगा था फिल्म की कहानी गुजरात के फतेहपुर से शुरू होती है जहां रईस का बचपन अपनी मां के साथ गरीबी में गुजर रहा है फिल्म रईस की कहानी 1980 के दौर में गुजरात के इर्द गिर्द घूमती है यह फिल्म रईस नाम के एक शख्स के बारे में बताती है जो ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है किंग खान की यह फिल्म रईस की ज़िंदगी में आते उतार चढ़ाव को दिखाती है फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह से जीरो से शुरू होकर रईस एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेता है रईस अपनी माँ की बात कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता को गांठ बांध आगे बढ़ता है और अवैध शराब के कारोबार करने लगता है रईस कामयाबी की सीढ़िया अपने चढ़ता चला जाता है लेकिन उसकी मुश्किल तब बढ़ जाती है जब उसके इलाके में पुलिस ऑफिसर जयदीप मजूमदार जब उसके इलाके में पुलिस ऑफिसर जयदीप मजूमदार आता है जो अवैध शराब कारोबारियों के रईस को अपने इलाके की रहने वाली मोहसिन यानी महिरा खान से प्यार है और उसे शादी कर वो अपना घर भी बसा लेता है फिर धीरे धीरे रईस गुजरात में बड़ा नाम बन जाता है और वहाँ का डॉन बन जाता है रईस अपने इलाके का मसीहा भी है और फिर उसके बाद फिल्म की कहानी कई जगहों पर यूटर्न लेती है रईस फिल्म की दो खास बातें हैं। एक्टिंग के लिहाज से शाहरुख खान को नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बराबर की टक्कर दी है शाहरुख खान को देखकर ऐसा लगता है जैसे वह किरदार में पूरी तरह से समा गए हों चार ढाल डायलॉग डिलीवरी और हाव भाव पूरी तरह से उसी किरदार का नजर आता है जो उन्होंने पर्दे पर निभाया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अभिनय के मामले में शाहरुख खान को कड़ी टक्कर दी है फिल्म कुछ जगहों पर कमजोर पड़ी भी है तो वह इन दोनों अभिनेताओं ने अपने एक्टिंग से संभाल लिया है और इस कमी को झलकने नहीं दी है पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान की यह बॉलीवुड में पहली फिल्म है एक्टिंग के लिहाज से उनके पास ज़्यादा कुछ करने का स्कोप नहीं बचा था फिर भी उन्होंने अदाकारी अच्छी की है महिरा के साथ शाहरुख खान का रोमांटिक एंगल भी अच्छा है फिल्म में माहिरा खान बेहद खूबसूरत दिखे हैं शाहरुख खान के साथ उनकी केमिस्ट्री चस्ती है रेस के संवाद आपको ताली और चीटियाँ बजाने को अभिवास कर देंगे स्क्रिप्ट कसी हुई है और सीन्स का फिल्मांकन भी दमदार है बैकग्राउंड स्कोर ने फिल्म में जान डाल दी है संगीत की बात करें तो उड़ी उड़ी जाए जालिमा लैला में लैला जैसे गाने पहले ही हिट हो चुके थे फिल्म के गाने भी इसका एक अहम हिस्सा हो गया है फिल्म की लंबाई थोड़ी ज़्यादा लगती है जिसे एडिटिंग का थोड़ा छोटा किया जा सकता था लेकिन कुल मिलाकर आप शाहरुख खान के फैन हैं और एक मनोरंजक फिल्म देखना चाहते हैं तो आप यह फिल्म देख सकते हैं अक्सर सोचा कि गैंगस्टर अपराधियों और अंडरवर्ल्ड पर बनने वाली फिल्मों में कुछ ऐसी बात तो जरूर है कि क्यों पूरी दुनिया भर के अनेक फिल्म मेकर्स इस शैली की फिल्मों से इतने आकर्षित हैं हालांकि मैं इस शैली की फिल्मों का जबरदस्त प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन साथ ही मुझे यह कहना होगा कि मैंने मुंबई में बनी क्राइम बेस्ड फिल्में दीवार धर्मात्मा परिंदा अग्निपथ सत्या वास्तव गैंगस्टर शूट आउट एट लोखंड वाला वन सपा ए टाइम इन मुंबई का भरपूर आनंद लिया इन फिल्मों में फिल्म इंडस्ट्री के कई सारे बड़े नाम जुड़े थे इन फिल्मों को याद रखने योग्य वैल्यू है मेरे मन में एक अमित छाप छोड़ने के अलावा इन फिल्मों ने समय समय की रेत पर भी एक अमित छाप छोड़ी रईस के बारे में जबरदस्त अटकलें हैं इस फिल्म की कहानी असल जिंदगी से प्रेरित है यह असल जिंदगी के किरदारों पर आधारित है सच कहूँ तो फिल्म में दिखाए गए किरदारों की प्रमाणिकता पर टिप्पणी करने के लिए या अटकलों को जांचने के लिए मैं सही शख्स नहीं हूँ लेकिन एक स्नेह प्रेमी होने के नाते मुझे यह स्वीकार करना होगा कि रईस ने मुझे अपनी दुनिया में पहुंचा दिया अपराधियों के जीवन पर आधारित ज्यादातर फिल्मों की एक सुनिश्चित पटकथा होती है एक आदमी का जुर्म का रास्ता अपनाना उसका एक नामी ग्रामी अपराधी बन जाना अमीर और प्रभावशाली लोगों में उठना बैठना लेकिन आखिर में कानून के हाथों सब हिसाब किताब बराबर हो जाना रईस भी ऐसी ही खाका प्लाट लाइन पेश करती है अंतर सिर्फ इतना है कि इस शैली की कई फिल्मों की तुलना में यह फिल्म दृष्टिकोण में अधिक यथार्थवादी है निर्देशक राहुल ढुलकिया ने रईस में एक दमदार पावर प्ले और रईस व ईमानदार पुलिस वाले जयदेव के बीच चूहे बिल्ली जैसा पीछा बहुत ही प्रभावशाली ढंग से दर्शाया है मेरी राय से यही इस फिल्म का मुख्य आधार है यह कहने के बाद मैं स्वीकार करता हूँ जो फिल्म को एक ऊंचाई पर लेकर जाता है वो है शहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिन्होंने अपने अपने हिस्से के बेहतरीन किरदार निभाए सन 1980 की दशक की पृष्ठभूमि में रई सिस्टम प्रणाली को हराने की कोशिश करता है और अपनी शर्तों पर सफल भी हो जाता है उद्यमशीलता के लिए उसका प्राकृतिक स्वभाव और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के दौरान कभी हार न मानने वाले दृढ़ संकल्प ने उसे प्यार और डरावना दोनों बना दिया उसे प्यारा और डरावना दोनों बना दिया और फिर होती है अपराध को खत्म करने और रईस के साम्राज्य को खत्म करने की प्रतिज्ञा ली है कि एंट्री बीते हुए युग को एक बार फिर से बनाना वाकई बहुत मुश्किल काम है लेकिन सबसे मुश्किल हिस्सा है वर्तमान के दर्शकों जिन्हें उन किरदारों और युग के बारे में कोई जानकारी नहीं है को शामिल करना प्रोडक्शन के बिना किसी गलती के उस युग को बेहतरीन ढंग से बनाया है ढोलकिया और उनके लेखक की टीम ने इस फिल्म इस बात का पूरा ख्याल रखा कि फिल्म की लिखित सामग्री इतनी शक्तिशाली हो कि दर्शक तल्लीनता से फिल्म का मजा ले परिणाम स्वरूप यह फिल्म न ना केवल नाइनटीन के दशक की यादें ताजा करती है बल्कि आपको उन बीते दिनों को महसूस भी कराती है और इसलिए इसके किरदारों और एपिसोड जो फिल्म में हाईलाइट किए गए हैं का धन्यवाद वास्तव ढुड़किया कट्टर व्यवसायिक फिल्म निर्माता होने के लिए नहीं जाने जाते हैं लेकिन जब आप इनके काम करने का तरीका देखते हैं तो आपको खुद ब खुद यह महसूस हो जाता है कि उनका झुकाव वास्तविकता में ज्यादा है बजाय कृतमिकता के लेकिन रईस के बारे में बात करें तो रईस में वास्तविकता और मसाला दोनों ही आश्चर्यजनक रूप से जुड़ा है फिल्म की कहानी बिना जोड़ के सीधे रोमांस से कौन किससे बढ़ के के खेल की ओर रुख कर लेती है जब चोर पुलिस की भिड़ंत होती है ये एक बड़े बजट की फिल्म है और शाहरुख और ढुलकिया भली भांति जानते हैं कि दाव बड़ा है उन्होंने वास्तविकता को बनाए रखा है और इस बात का ख्याल रखा है कि फिल्म की गति और ऊर्जा कदाचित कम न हो लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने शाहरुख खान के करोड़ों प्रशंसकों को जरा भी निराश नहीं किया है एक कहानी वक्ता के रूप में वह लेप लेते हैं और लिखित सामग्री के साथ पूरा न्याय करते हैं और साथ ही फिल्म के हर किरदार से उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस को निचोड़ने में कामयाब रहते हैं फिल्म का फर्स्ट हाफ आपकी उत्सुकता को खोल कर रख देता है और फिर आप सेकंड हाफ देखने के लिए ललायत हो जाते हैं लेकिन यह समस्या पैदा होती है इंटरमिशन के बाद फिल्म की गति धीमी पड़ जाती है और रोमांटिक गीत और कुछ सीक्वेंस सीन विफल हो जाते हैं शुक्र है फिल्म फिर से अपनी रफ्तार पकड़ती है जब रईस की ज़िंदगी में एक नाटकीय मोड़ लेती है जो कि फिल्म का हाई वोल्टेज क्लाइमैक्स है फिल्म का साउंड ट्रैक अच्छा है हालांकि फ़िल्म के डांस और गीत में थोड़ी और गुंजाइश हो सकती थी फिल्म के गाने लैला में लैला और जालमा गाना पहले से दर्शकों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे हालांकि लैला में लैला गाना के महत्वपूर्ण मोड़ पर आता है और कहानी को आगे ले जाता है बैकग्राउंड स्कोर प्रभाव उत्पादक है विशेष रूप से सिग्नेचर ट्यून जिसे कथानक में उदारपूर्वक इस्तेमाल किया गया फिल्म की सिनेमाटोग्राफी ने चिल्लू लाइट पर स्थानों को बहुत ही शानदार ढंग से कैप्चर किया है एडिटिंग एकदम कसा हुआ है दर्शकों को ध्यान में रखकर डायलॉग बनाए गए जो अपना असर छोड़ते हैं बनिए का दिमाग और मियाँ भाई की डेयरिंग और अम्मी जान कहती थी कि कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता जैसे कई डायलॉग पहले ही दर्शकों के बीच अपनी जगह बना चुके हैं मुझे नवाजुद्दीन के लाइनों पर भी ध्यान आकर्षित करना चाहिए वो लोगों में उत्साह और उमक भर देते हैं विशेष रूप से फर्स्ट हाफ में एक्शन सीक्वेंस बेहद दमदार हैं रईस में शानदार प्रदर्शन लगातार उल्लेखनीय है शहरुख बढ़िया कलाकार के साथ साथ शो स्टीलर भी हैं फिल्म में उनका गिरे किरदार उनके करियर के प्रारंभ में उनकी पुरस्कार योग्य परफॉर्मेंस की याद दिलाता है नवाजुद्दीन ने अपने सह कलाकार की प्रतिभा से मैच करते हुए अपनी शानदार परफॉर्मेंस देते हैं दोनों शहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का प्रदर्शन आपको फिल्म की कहानी के साथ साथ किरदारों में डुबा देता है माहिरा खान बेहद खूबसूरत लगती हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने किरदार को निभाती हैं मोहम्मद जीशान अयूब की एक ठोस भूमिका में पूरी तरह से डूब जाते हैं और एक बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं अतुल कुलकर्णी अपनी मौजूदगी एक प्रतिबंध प्रदर्शन के साथ महसूस कराते हैं शिबा चड्ढा एक संक्षिप्त भूमिका में जचती हैं नरेंद्र झा जयदीप अहलावत उत्कर्ष मजूमदार प्रमोद पाठक और उदय तिकेकर अपने अपने भागों में परिपूर्ण हैं सनी लियोन लैला में लैला आइटम नंबर में सनसनी फैला देती हैं। कुल मिलाकर रईस पक्के तौर पर एक हिट फिल्म है इसमें कोई शक नहीं है कि शाहरुख खान एक सेंसनल अभिनेता हैं जो प्यार मनोहार और स्टारडम शहरों को उनकी प्रारंभिक फिल्मों में प्राप्त हुआ वही सब कुछ एक बार फिर रेस में ही देखने को मिलेगा इस फिल्म को हिट कराने में कुछ तथ्यों का भारी योगदान है और उनमें शामिल है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जबरदस्त परफॉर्मेंस भीड़ जुटाने के लिए लिखी गई है इसकी विशेष सामग्री और निसंदेह इसका मनोरंजक क्लाइमैक्स फिल्म रईस उन्नीस सौ अस्सी के दशक में गुजरात आधारित एक एक्शन एक थ्रिलर फिल्म है यह ऐसे तस्कर की कहानी है जिसके धंधे को एक सख्त पुलिस अधिकारी ने चौपट कर दिया क्लेश और रेड सिलिश एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित यह फिल्म 25 जनवरी 2017 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी कहानी गुजरात के फतेहपुर की है जहाँ फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटे बच्चे रईस आलम से जो गरीबी के कारण शराब तस्करी में आ जाता है स्कूल में उसे ब्लैक बोर्ड पर पढ़ने में दिक्कत होती है पड़ोस का डॉक्टर उसे चश्मा लेने की सलाह देता है चश्मा पहनने के बाद रईस आलम हर किसी को वार्निंग देता है बैटरी नहीं बोलने का शराब तस्करी के लिए पड़े छापे में उसकी अम्मी उसे बचाने जाती है और बोलती है कि कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता बस इसको रईस अपनी ज़िंदगी का मूल मंत्र बना लेता है इसके बाद रईस शराब के बिजनेस में अपने दोस्त सादिक के साथ आ जाता है और शराब तस्कर के बादशाह जयराज सेठ का दाया हाथ बन जाता है और बनिए का दिमाग और मियाँ भाई की डेयरिंग को सब जानते हैं जैसे जैसे समय बीतता है रईस अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है सादिक रईस का बेस्ट फ्रेंड है रईस अपने एम्पायर का बॉस बन जाता है पुलिस नेता हर किसी से उसकी साठ गाट है और उसका काम होता रहता है लेकिन वो साथ ही साथ देसी रॉबिन हुड भी है चाहे उसके पड़ोसी हों मोहल्ले वाले या कोई और वो कभी मदद करने से हिचकिचाता नहीं है कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर जदीब मजुमदार से होती है जिसका ट्रांसफर रईस के इलाके में होता है जदी मजुमदार का एक ही इरादा होता है कि रईस के बिजनेस को मिट्टी में मिला देना है उसे आप कहते सुनेंगे कि रईस का और मेरा रिश्ता बड़ा अजीब है पास रह नहीं सकता और सलाह दूर जाने को नहीं देता पास रह नहीं सकता और दूर जाने नहीं देता पास रह नहीं सकता और सलाह दूर जाने नहीं देता इसके बाद फिल्म चूहे बिल्ली का खेल शुरू होता है इसके बाद फिल्म में चूहे बिल्ली का खेल शुरू होता है शाहरुख खान की फिल्म रईस आपको 70 और 80 के दशक की टिपिकल मसाला फिल्मों की याद दिलाएगी जिसका हीरो बुरा काम तो करता है लेकिन वो गरीबों का मसीहा भी है एक पुलिस वाला है जो गंदी राजनीति के बीच भी अपना काम ईमानदारी से करता है खूबसूरत हीरोइन है और हीरो की परछाई बनकर रहती हैं एक वफ़ादार दोस्त है जो हीरो के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार है साथ ही कुछ बुरे लोग सताई जनता बेबस माँ और खूब सारा एक्शन इसके अलावा हेलन की तर्ज पर सनी लेनी का एक आइटम सॉन्ग भी है जो खून खराबे के बीच सुकून देता है कहानी एट्टी के दशक के गुजरात पर बेस्ड है जहाँ रईस अपनी अम्मी के साथ रहता है घर की माली हालत ख़राब होने की वजह से स्कूल के टाइम से ही रईस का दिमाग धंधे की तरफ आकर्षित होने लगता है और वो स्कूल के बैग में शराब रखकर सप्लाई करने लगता है लेकिन बड़े होने के बाद रईस अपना खुद का धंधा शुरू करता है अपने दिमाग और डेयरिंग की वजह से वो जल्द ही अवैध शराब का बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है लेकिन इसी बीच एसीपी पी मजूमदार यानी नवाजुद्दीन सिद्ध की उसके पीछे पड़ जाता है जो काफ़ी कड़क पुलिस वाला है लेकिन रईस का धंधा रोक पाने की हजार कोशिश करने के बावजूद भी मजूमदार उसे पकड़ नहीं पाता इस दौरान कहानी में कई उतार चढ़ाव आते हैं जिनमें चुनाव दंगे बम ब्लास्ट जैसी कई घटनाएं दिखाई जाती हैं फिल्म की एंडिंग भी काफ़ी दिलचस्प है के यू मोहनन की सीनेटोग्राफी कमाल की है बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा बनाया गया है जिसकी वजह से एट्टी के दशक का माहौल पूरी फिल्म के दौरान बना रहता है फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है इसके डायलॉग्स जो ऑडियंस को तालियां बजाने पर मजबूर कर देते हैं फिल्म का फर्स्ट हाफ अच्छा है लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म की रफ्तार सुस्त हो जाती है जिसे ठीक किया जा सकता था साथ ही फिल्म के एक दो गाने भी इसकी रफ़्तार पर असर डालते हैं सिर्फ़ सनी लेवनी पर फिल्माया गया आइटम सॉन्ग ही कहानी के साथ सिर्फ सनी लेनी पर फिल्माया गया आइटम सॉन्ग ही कहानी के साथ फिट बैठता है फिल्म के सेकंड हाफ को और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था रईस पूरी तरह से शाहरुख खान की फिल्म है उनका काम शानदार है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग भी बेहतरीन है फिल्म में जब भी दोनों साथ नजर आते हैं एडवेंचर बढ़ जाता है जहां एक तरफ नवाजुद्दीन की लिख लेने की स्टाइल है वहीं दूसरी तरफ शाहरुख खान के डायलॉग बोलने का अंदाज़ कमाल का है मोहम्मद जीशान अयूब अतुल कुलकरी और बाकी एक्टर्स का काम भी अच्छा है पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान के लिए करने को ज़्यादा कुछ नहीं था एक दो गाने और चुनिंदा रोमांटिक सीन में भी वो अपना असर छोड़ नहीं पाती सेकंड हाफ़ में उनका रोल थोड़ा उभर कर आता है लेकिन वो भी कुछ देर के लिए फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है लेकिन सॉन्ग में सिर्फ लैला में लेला ही कहानी के साथ फिट बैठता है यूँ तो फिल्म को लेकर शुरू से कोई ना कोई विवाद रहा है लेकिन फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स हैं जिन पर विवाद हो सकता था फिर चाहे वो बोचड़ खाने में जानवरों को काटने का सीन हो या फिर गांधी की मूर्ति से चश्मा उतारने का सीन कुल मिलाकर ये फिल्म एक नए पैकेट में पुराने माल की तरह है और अगर आप शहरुख खान और नाजुद्दीन सिद्दीकी के फैन हैं तो आप एक बार ये फिल्म जरूर देखें लंबे अरसे से रिलीज को तरस रही शहरुख खान की फिल्म रईस सत्तर और अस्सी के दशक की टिपिकल मसाला फिल्मों की याद दिलाती है इस फिल्म का हीरो गैरकानूनी काम तो करता है लेकिन वो गरीबों का मसीहा भी है इस हीरो के साथ है एक खूबसूरत हीरोइन जो हीरो की परछाई की तरह है हीरो का एक जिगरी दोस्त जो उसके लिए अपनी जान भी दे सकता है फिर एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर जो अपने काम को पूरी ईमानदारी से पूरा करता है इन सबसे बेबस माँ अत्याचार की मारी जनता कुछ बुरे लोग और खूब सारा एक्शन इतने मसाले के बाद एक जबरदस्त आइटम नंबर जो हैलिन की याद दिलाता और खून खराबे के बीच राहत देता है फिल्म की कहानी अस्सी के दशक के गुजरात पर आधारित है जहाँ रईस अपनी अम्मी के साथ रहता है घर की माली हालत बहुत ख़राब रहती है जिससे रईस का दिमाग शुरू से ही धंधे की तरफ रहता है रईस बचपन से ही स्कूल बैग में शराब रखकर सप्लाई करने लगता है लेकिन बड़े होने के बाद वो खुद का धंधा शुरू करता है अपने दिमाग और निडरता से अवैध शराब कारोबारी में बड़ा नाम बन जाता है सब कुछ ठीक चल रहा होता है तभी एक ए मजूमदार रईस के पीछे पड़ जाता है मजूमदार एक कड़क पुलिस ऑफिसर है जो शराब के अवैध कारोबार को रोकने की कई कोशिशें करता है तमाम कोशिशों के बावजूद भी रईस उसकी पकड़ से आजाद ही रहता है कई उतार चढ़ाव से गुजरते हुए इस कहानी का अंत काफ़ी दिलचस्प होता है फिल्म का निर्देशन उमदा है फर्स्ट आप काफी कसा हुआ है लेकिन सेकेंड हाफ में फिल्म आपको अजीब से रॉबिन हुड जोन में लेकर जाती है यहाँ अचानक से एंटी हीरो के ख्याल बदलने लगते हैं और वो मसीहा बनने लगता है सरपट भागती फिल्म लेने लगती है खैरियत बात करें सिनेमाटोग्राफी की तो के यू मोहनन का काम कमाल का रहा है फिल्म आपको अस्सी के दशक में ही लेकर जाती है वही इस फिल्म के वन लाइनर भी जबरदस्त हैं वन लाइनर्स पर फिल्म को दर्शकों की खूब तालियाँ भी मिलती हैं जब सनी लेनी अपने आइटम नंबर लैला में लैला लेकर आती हैं तो दर्शक झूम उठते हैं वही कुछ गाने फिल्म की रफ़्तार बेजा ही सुस्त कर देते हैं फिल्म रईस को पूरी तरह शाहरुख खान की फिल्म कहने में दो राय नहीं है उनका प्रदर्शन भी बेहतरीन है गुस्से और फुर्तीलस गुस्से और फुर्ती से भरे शहरुख इस बार अपनी बाहें फैलाते नहीं बल्कि दूसरों को तोड़ते नज़र आ रहे हैं वही नवाजुद्दीन ने ही शानदार अदाकारी की है फिल्म में जब जब दोनों कलाकार एक फ्रेम में नज़र आए रोमांच चरम पर पहुंचा मोहम्मद जीशान अयूब अतुल कुलकर्णी के साथ बाकी कलाकारों ने भी अच्छा काम किया है हालांकि पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा महज एक सौ पीस ही लगी हैं फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर बढ़िया है लेकिन बाकी गानों में सिर्फ लैला में लैला ही कहानी के हिसाब से अच्छा लग रहा है जैसे ही रईस फिल्म खत्म होती है मन में सवाल आता है कि इस फिल्म की ज़रूरत क्या है क्यों बनाई गई है निर्माता निर्देशक सितारे आखिर कहना क्या चाहते हैं हिंदी सिनेमा में सैकड़ों फिल्में हैं जिनमें घोर गरीबी में पला बड़ा बच्चा बड़ा होकर गैंगस्टर नुमा अपराधी बनता है और कोई जिद्दी पुलिस वाला उनके पीछे लगा होता है पुलिस वालों को छकाते हुए फिल्म में छाए रहने वाले हीरो की मौत अंत में पुलिस वाले की गोली से होती है रेस की कहानी इससे ज्यादा नहीं है नया क्या है ना बनिया का दिमाग दिखता है और ना मियाँ भाई की डेयरिंग शाहरुख खान चले हुए कारतूस नजर आते हैं और राहुल ढुलकिया अध्यय सितारे के मध में निशानची कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता इसलिए धन से फिल्म के लिए तारीफें और अवार्ड खरीदे जा सकते हैं हिट का तिलस्मा रचा जा सकता है रईस को काल्पनिक कहानी मानना आधा सच है या गुजरात में अवैध शराब का कारोबार करने वाले कुख्यात अपराधी अब्दुल लतीफ का फिल्मी संस्करण है जिस पर ग्लैमर का वर्क चढ़ा है लतीब पर 1980 एटी टू के दशक में गांधी की धरती पर अवैध शराब के धंधे हत्या अपहरण तस्करी के दर्जनों मामले समेत आतंकवादी तथा विघटनकारी क्रियाकलाप अधिनियम यानी डाटा तक लगा था मुंबई बम धमाकों में उसका नाम सीधे नहीं आया मगर वह आतंकी दाऊद इब्राहिम से कनेक्ट और कराची में उसका मेहमान था लतीफ पुलिस की गिरफ्त से फरार होने की कोशिश करते हुए मारा गया रईस की कहानी में लतीफ और उससे जुड़े आपराधिक राजनीतिक सूत्रों के ताने बाने हैं यहाँ रईस को रॉबिनहुड अंदाज से रंगते हुए गरीबों का मसीहा दिखाने की कोशिश है गौर से देखो तो टिकट खिड़की पर लगातार पिट रहे शाहरुख खान यहाँ सलमान खान के फिल्मों में यहाँ सलमान खान के फिल्मों में चैरिटी करने के फार्मूले से सहानुभूत बटोरने की लचर कोशिश में थे कई हिस्सों में रईस एंग्री यंगमैन अमिताभ बच्चन की एंट्री हीरो फिल्मों की खराब फोटो कापी जैसी है शाहरुख ना गुस्से और एक्शन में जमते हैं ना रोमांस करते हुए पुलिस बने नवाजुद्दीन सिद्दीकी पूरी फिल्म में उन पर हावी हैं नवाज फिल्म को ना संभालते तो यह भरभरा कर गिर ही पड़ती माहिरा खान सुंदर हैं परंतु उनकी भूमिका बेहद कमजोर है गीत संगीत औसत है बैकग्राउंड म्यूजिक जरूर 1980 के दशक की यादें ताजा करता है सनी लियोनी का आइटम डांस लैला जिस मोड़ पर आता है वहाँ रईस की परिस्थितियाँ इतनी तनाव भरी हैं कि यह